तो चलो, तो मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछा कि यस, पहले मुझे बताओ कि डॉकर है क्या, है ना। आपने अपने तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, अच्छी बात है। मैंने आपसे पूछा कि डॉकर, यस बताओ कि कंपनी में अगर मुझे सेटअप लगाऊंगा, कुबरनेटिस डिप्लॉयमेंट करूंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना आपके सामने बिल्कुल कि बिल्कुल भाई बिल्कुल प्रोडक्शन चल रहा है, क्यों कुबरनेटिस को लाऊं, क्यों डॉकर को लाऊं। वीएम के ऊपर पूरे सर्वर चल रहे हैं, 5000 सर्वर वीएमवेयर के ऊपर, ओपन स्टैक के ऊपर चल रहे हैं, कहां पे डॉकर फिट करूंगा मैं। एडब्ल्यूएस पे पूरा सेटअप लगा हुआ है, क्यों डॉकर लेके आऊं, क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं आएगा, बिल्कुल प्रोडक्शन, है कि नहीं, हाँ क्यों बिल्कुल लाए डॉकर को भाई। अब बिल्कुल बिल्कुल समझाता हूं मैं आपको। देखो देखो क्या होता था कि हर कंपनी में डेवलपमेंट होता है, ये बात आपको भी क्लियर हो गई और मैं अच्छे से डेफिनेशन आपको ऑनलाइन बता दिया था। हर कंपनी में डेवलपमेंट होता है, सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कौन बनाता है, डेवलपर बनाता है। जब डेवलपर सॉफ्टवेयर बनाता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी बंदे ने वीएलसी बनाया होगा, कोई कंपनी तो होगी फलाना वीएलसी वीएलसी बनाई होगी। अब मुझे यस आप बताओ, क्या वीएलसी सिर्फ मैं एक्सपी में डाल पाता हूँ, सब विंडो 10 में भी डाल सकता हूँ, मैं इसमें भी डाल लूंगा, मैं मैक के फोन में भी डाल लूंगा, लिनक्स में भी डालूंगा, सब में डालूंगा ना। तो वीएलसी बनाने की जो कोडिंग है वो डेवलपर तो एक ही बार लिखता होगा, ऐसा थोड़ी करेगा कि भाई 100 बार कोड लिखेगा, 100 ऑपरेटिंग नहीं सिस्टम एक ही कोड लिखेगा। बिल्कुल तो डेवलपर ने क्या किया, वीएलसी के कोड लिख लिए, ये फलाना फलाना ढिकाना कोड लिख लिया। अब उसने कोड लिख लिया, राइट। कोड लिखने के बाद उसको कंपाइलिंग करेगा 100 बार, ठीक। कोड तो एक ही लिखेगा बट उसको कंपाइलिंग करेगा। कंपाइलिंग का मतलब क्या होता है, सोर्स कोड को बिल्ड करना, जब वो बिल्ड होगा तब वो इंस्टॉल होता है। तो उसको एक बार एक्सपी के लिए कंपाइल करेगा, एक बार विंडो 10 के लिए करेगा, एक बार 7 के लिए, लिनक्स सबके लिए करेगा। लेकिन कंपाइल करने के बाद जो जब सॉफ्टवेयर बनेगा तो उसको डेवलपर को कैसे क्लियर होगा कि मैं ये परफेक्ट बनाया, नहीं होगा ना। तो डेवलपर को क्या चाहिए भाई, एक एनवायरमेंट दे दे भाई कि मैं उस पर इंस्टॉल करके देख लूं परफेक्ट है कि बिल्कुल नहीं है। एनवायरमेंट कौन देगा, आप देते हो, सिस्टम एडमिन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना एनवायरमेंट देने का, बिल्कुल आप दोगे मैं दूंगा एनवायरमेंट। तो मेरे को कंपनी ने हायर किया है कि डेवलपर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। डेवलपर कल को बोले कि विंडो 10 की मशीन देना तो मुझे बना कर देना। डेवलपर मुझे बोले लिनक्स की चाहिए, लिनक्स के ऊपर टेस्टिंग, तो मैंने लिनक्स देनी है। डेवलपर बोले यूनिक्स, तो यूनिक्स देनी है। मैक बोले तो मैक, मतलब मैं 24/7 उसके लिए बैठा रहूंगा, राइट। तो अब सिस्टम एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अब सिस्टम एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसके ऊपर मैनेजर भी होगा। मैनेजर बोलेगा भाई बजट चाहिए, क्यों बजट चाहिए भाई, हार्डवेयर खरीदूंगा तब तो इंस्टॉल करके देगी ना मेरी टीम, तो इन्फ्रा की टीम एक बजट मांगेगी। अब उस बजट में आप क्या कर रहे हो, आपने ऐसे एन नंबर ऑफ मार्केट से हार्डवेयर खरीद लिया, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, आपने एन नंबर ऑफ मार्केट से ऐसे हार्डवेयर वगैरह आपने खरीद लिए, ठीक है। एक हार्डवेयर पे आपने विंडो एक्सपी डाल दिया, क्या डाला, एक पे आपने एक्सपी डाला, एक पे आपने विंडो 10 डाल दिया, एक पे आपने लिनक्स डाल दिया, राइट, एक पे आपने यूनिक्स डाल दिया, एक पे आपने मैक डाल दिया। और आपको पता होगा सर कितने सारे वर्जन है, सिक्स आरी चल कर 6 है, 8 है, 6.1 है, 6.7 है। कभी कभी आपने देखा होगा कि वही वीएलसी एक्सपी पे चलता है तो विंडो 10 पे नहीं चल रहा, विंडो 10 के लिए अलग लेते हो। तो ऐसे इन्वायरमेंट बनाकर आपने बोला ले डेवलपर कर ले, आपने दे दिया, तो डेवलपर अपना एक्सपी पे करेगा, सब उसको दे दिया आपने, वो कर रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस हो गया है ना। लेकिन सिस्टम एडमिन की टीम ने अपनी कंपनी से, आपके मैनेजर ने अपनी कंपनी से जो बजट मांगा है, बहुत हैवी बजट मांगा है। क्यों मांगा है, क्योंकि उसको पता है नए रूपले से एक सर्वर खरीदने तो 50,000 का तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 GB का सर्वर तो दोगे नहीं, 1 GB का दोगे, डेवलपर कंप्लेन करेगा, एटलीस्ट 4 GB का तो दोगे ही ना टेस्टिंग करने के लिए। तो आपने बजट भी उस हिसाब से लिया। तो अब होता है क्या, देखो डेवलपर को एक छोटा सा टेस्टिंग ही करना था यार एप्लीकेशन, लेकिन आपने इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन उसको पकड़ा दिया, ले भाई तू 4 GB का रैम ले ले, है ना, 500 GB की हार्ड डिस्क ले ले, i7 का प्रोसेसर ले। क्यों दिया आपने, क्योंकि फर्दर उसको काम करने में दिक्कत ना हो, यही दिया ना आपने। बिल्कुल और मुझे बताओ दिक्कत क्या डेली आती है, नहीं आया ना, कभी कभी आ गई। डेवलपर अपना वीएलसी अगर इस पे इंस्टॉल करता है तो मुझे बताओ कि वीएलसी इंस्टॉल करेगा तो वीएलसी 4 GB रैम लेगा क्या, नहीं कभी नहीं लेगा, कभी नहीं, 1 MB ज्यादा तो 10 MB भी जमी लेगा, है ना। आपने 4 GB दे दिया, ऐसे एक को नहीं, ऐसे रेप्लिका आपने बना रखी भाई, इतने सारे दे रहे हो, कंपनी के रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। चल मानते कि तू बहुत बढ़िया सेटअप चला रहा है, लेकिन कंपनी का रिसोर्सेज पैसे वेस्ट हो रहे हैं। तो रिसोर्सेज को बेटर तरीके से सेव करने के लिए, ऐसे रिसोर्स वेस्ट ना हो, इनको सेव करने के लिए आपको पता था हाइपरवाइजर मार्केटिंग हाँ आया ना, हाइपरवाइजर, ये रिसोर्सेज बर्बाद हो रहे थे कंपनी में, सर्वर लगाने तो भाई 10,000 सर्वर ऐसे खरीद के लगा रहे थे, जगह भी ज्यादा लग रही थी। तो
तो कंपनी ने रिसोर्सेज को सेव करने के लिए मार्केट में हाइपरवाइजर आया। तो अब जब हाइपरवाइजर मार्केट में आया, मार्केट में हाइपरवाइजर जब आया तो कंपनी क्या करती है कि ऐसे 10 सर्वर नहीं खरीदती, बड़ा सर्वर ले लेती है। क्या करती है, एक 512 GB का है ना, 5 TB का एक बड़ा सर्वर ले ली और बड़े सर्वर के ऊपर हाइपरवाइजर डालती है ना। आपको पता होगा कि हाइपरवाइजर हम OS के ऊपर भी डालते हैं और बेयर मेटल में भी डालते हैं, है कि नहीं। अभी आपके सामने मैं जो हाइपरवाइजर डालूंगा वो OS के ऊपर होगा, लेकिन कंपनी बेयर मेटल में डाल देती है, वो भी अलाउ है, जैसे करिए मैटर नहीं कर रहा। तो कंपनी ने पहले क्या किया, हाइपरवाइजर डाला। अब बोला जाता है हाइपरवाइजर क्या है भाई, हाइपरवाइजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी हार्डवेयर पे इंस्टॉल हो जाता है, तो वो हार्डवेयर वर्चुअलाइज डिवाइड हो जाता है। वर्चुअलाइज मतलब वो आप उसको नंबर ऑफ पार्ट्स पर डिवाइड कर सकते हैं ना। अब मार्केट में कौन कौन से हाइपरवाइजर है, तो VMware फेमस है, ओपन स्टैक भी खुद का अपना एक हाइपरवाइजर है, Red Hat ने बनाया, KVM हाइपरवाइजर है, Oracle का वर्चुअल बॉक्स हाइपरवाइजर है, Gen हाइपरवाइजर भी है, Microsoft का हाइपर भी है, n नंबर ऑफ है कि नहीं। तो आपने क्या किया, इस 512 जो हार्डवेयर आपने कर दिया, इसके ऊपर आपने हाइपरवाइजर डाल लिया, मान लो VMware कुछ भी डालो मैटर नहीं करता, है कि नहीं। लेकिन जब हाइपरवाइजर डालोगे तो VMware की एक टीम होगी, मतलब VMware वालों की नौकरी गई नहीं है, अभी कम हो गई है लेकिन गई नहीं है, मतलब एक यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो अब VMware पे नौकरी आ गई। अब कोई कहता है कि VMware की नौकरी आने से क्या फिजिकल वालों बंदों की नौकरी खत्म हो गई, नहीं सर, फिजिकल एक बार तो सेटअप करवाओगे ना, तभी तो VMware हाइपरवाइजर डालोगे। फिर कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या करती है, VMware के ऊपर छोटे छोटे सर्वर बनाती है, छोटे छोटे सर्वर मतलब जो फिजिकल सर्वर रह लेते हैं उसकी जगह उन्होंने ये सर्वर बनाया, राइट। इसको 4 GB रैम दिया, 500 GB हार्ड डिस्क दिया, i3 4 प्रोसेसर दे दिया, एक पूरा पूरा का विंडो 10 डाल दिया, विंडो 7 डाल दिया, और डेवलपर को बोला ये लीजिए आपने दे तो दिया, आपने क्या बचाया, जगह बचा ली, लेकिन अभी भी आप 4 GB का रैम दे रहे हो। अगर मैं इस लैपटॉप इस VM को 4 GB रैम दे दूं, तो अगर इस VM के ऊपर OS डाल के कोई एप्लीकेशन चला रहा हूँ, वो एप्लीकेशन सिर्फ 10 MB रैम यूज कर रहा है, क्या गारंटी है कि मैं 4 GB रैम छीन सकता हूँ, नहीं छीन सकता, बंद करनी पड़ेगी, नहीं छीन सकता ना किसी भी हालत में, बंद करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब रिसोर्सेज तो अभी भी जा रहा है, जगह बचा लिया आपने, रिसोर्सेज अभी भी जा रहा है। तो रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करने के लिए मार्केट में आया कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। ये जो वर्चुअलाइजेशन हो रही है ये VM बेस्ड वर्चुअलाइजेशन, VM है पूरा, मतलब VM हार्डवेयर भी जा रहा है, और देखिए हर एक VM को एक OS भी जा रहा है, OS का लाइसेंस भी जा रहा है, तो वेस्ट अभी भी कॉस्ट जा ही रहा है। तो बेटर तरीके से कहा गया एक सिंगल OS के ऊपर वर्चुअलाइजेशन करनी है, तो एक बेटर तरीके से उसको मैनेज करने के लिए कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन, कंटेनर मतलब डब्बा, उतना ही बड़ा डब्बा बनाएंगे जितना जरूरत है। तो अब कंपनी क्या करती है मार्केट में, हार्डवेयर आज भी लेती है वही 512 GB का, नो मैटर, कंपनी आज भी वही 512 GB का एक हार्डवेयर खरीदेगी। एक चीज और पूछना चाहता हूँ, अगर मैं 4 GB का VM बनाऊं तो एटलीस्ट 512 GB में कितने VM बना सकता हूँ, एटलीस्ट कुछ काउंटेबल बताओ, बन जाएगा 100, आप बोल रहे हो 100 VM बन जाएगी। तो अगर मैं 100 VM बना रहा हूँ, इसका मतलब हर एक VM पे मैं एक ही एप्लीकेशन चलाऊंगा, कंपनी में कभी ऐसा नहीं होता कि एक सर्वर पे दो एप्लीकेशन रन करता है ना, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का एरर आ जाता है ना। तो इसका मतलब कि आप एक VM पे एक ही एप्लीकेशन चलाओगे, इसका मतलब 512 GB के हार्डवेयर पे आप 100 एप्लीकेशन से ज्यादा नहीं चला सकते, यही है, नहीं चला सकते ना, एक ये भी चीज नोट करके रखना। अब जब कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन आया तो मार्केट में क्या हुआ, कंपनी ने हार्डवेयर खरीदा, हार्डवेयर के ऊपर अब कंपनी पे डिपेंड करता है कि हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्ट OS डाल ले तो भी परफेक्ट है, या हाइपरवाइजर डाल के उसके ऊपर एक VM बना के OS डाले तो भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो आपने हार्डवेयर के ऊपर OS डाला, अब OS के ऊपर आप या तो आप VM डालो VMware, फिर उसके बाद VM बनाओ उस पर OS डालो, उस पर डालो डॉकर, या सीधे OS डाल के सीधे डॉकर इंस्टॉल कर लो। आपने इस पर इंस्टॉल कर दिया डॉकर, आपने जो डॉकर इसके ऊपर इंस्टॉल किया, ठीक है, तो अब ये डॉकर जो है ये आपका कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, डॉकर जो है कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब आपने डॉकर इंस्टॉल कर दिया तो ये सर्वर अब एज अ डॉकर होस्ट के नाम से कॉल करने लग जाते हैं, जैसे VM होस्ट बोल रहे डॉकर होस्ट के नाम से आपने इसको कॉल करने लगे। अब डॉकर होस्ट के ऊपर क्या होगा, आप
कंटेनर बनाओगे, ये आपने एक कंटेनर खड़ा किया। जैसे आप यहाँ पर VMware के हाइपर VMware ओपन स्टैक के ऊपर आप VM बनाते थे, यहाँ पर VM नहीं, यहाँ पर कंटेनर बनेगा। क्या बनेगा? कंटेनर बनेगा, कंटेनर। जैसे VM अपने आप में आइसोलेटेड है, दूसरी VM को नहीं जानता, ऐसे कंटेनर अपने आप में आइसोलेटेड, और दूसरे वाले कंटेनर को, बाजू वाले कंटेनर को नहीं जानता। ऐसे यहां पर भी आप एन नंबर ऑफ कंटेनर बनोगे। लेकिन जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो क्या है, आप VM बनाते हो तो आपने VM को ना रिसोर्सेस फिक्स कर रहे हो। मतलब ले VM बनाया, अगर मैं VMware पे VM बनाऊं तो बोलता है RAM कितनी देनी, 100 दिन, आप फिक्स कर देते हो। लेकिन जब आप कंटेनर बनाते हो तो कंटेनर पे RAM, स्टोरेज, CPU फिक्स नहीं करते, वो एक ब्लैंक कंटेनर बन जाता है। ठीक है, मतलब ब्लैंक कंटेनर का मतलब क्या, वो ब्लैंक कंटेनर बना, उसको हमने कोई RAM, हार्ड ड्राइव दिया ही नहीं, उसको दिया ही नहीं। लेकिन VM में भाई आपने VM बनाया, आपने फिक्स कर दिया, मतलब 4 GB का एक बन गया तो एक और 4 GB का बना सकते, राइट? तो हमने एक ब्लैंक कंटेनर बनाया। अब इस कंटेनर के अंदर हम इमेज डिप्लॉय करेंगे। कौन सी इमेज? जिस तरीके से VM के ऊपर और मशीन के ऊपर इमेज डिप्लॉय करने के लिए पूरा का पूरा विंडोज 10 पड़ा हुआ है, 4 GB का साइज देखा है, 4 GB का चेक करना कभी। अगर आप Red Hat का RHEL 7 उठाओ, ये भी आपको 4.6 GB का मिलेगा। तो मतलब आप VM के ऊपर पूरा का पूरा OS इंस्टॉल करते थे सर, पूरा पूरा OS। और मैं आपको बताऊं, एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए पूरा OS की जरूरत नहीं होती कभी। एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए उस एप्लीकेशन बेस लाइब्रेरी और बाइनरी चाहिए, बस वही चाहिए, बस वही, पूरा OS की जरूरत नहीं। लेकिन आपको पूरा का पूरा होल OS डालना पड़ता था, पूरा 4 GB का, इसलिए साइज भी ज्यादा लगता था। यहां पर क्या होता है, कह रहा है कंटेनर में ये पूरा OS डालने की जरूरत नहीं है, कंटेनर के अंदर डिप्लॉय होने की एक अलग इमेज है। ठीक है, कंटेनर के अंदर डिप्लॉयमेंट होने की अलग इमेज है, वो है Ubuntu, है लिनक्स, लेकिन उसको ऐसे लाइटवेट बनाया गया है। उसको क्या बनाया गया? लाइटवेट बनाया। अब कहा जाता है ये इमेज कौन देता है, मैं आपसे पूछा विंडो 10 कौन दे रहा है, विंडो 10 कौन दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है, RHEL 7 कौन दे रहा है, Red Hat दे रहा है। तो फिर एक कंटेनर के अंदर डिप्लॉय करने की लाइट बिट ओएस इमेज कौन दे रहा है, सवाल आता है कि नहीं आता? क्या Red Hat दे रहा है? नहीं। क्या Microsoft दे रहा है? नहीं। ये भी दे रहे हैं, इन्होंने भी बनाई इमेज, राइट? ये भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं दे रहे हैं। लेकिन फ्री में कौन दे रहा है ना? तो डॉकर एक क्या है, डॉकर एक कंपनी का नाम है सर, समझ रहे मेरी बात को? जैसे कंटेनर हमने लिया, हाँ, तो कहीं ना कहीं तो हमें सब्सक्रिप्शन लेना ही, बताऊंगा अभी सब्सक्रिप्शन का भी बताऊंगा, अभी सब्सक्रिप्शन की बात मत करो, अभी बताऊंगा। अभी यहाँ तक समझ में आ गया? तो आपने बोला कंटेनर के अंदर इमेज डिप्लॉय करना है, कौन सी इमेज डिप्लॉय करें? तो आप कंटेनर के अंदर जो आप इमेज डिप्लॉय करोगे तो आप वो इमेज कौन देगा? डॉकर दे रहा है आपको, डॉकर क्या, एक कंपनी का नाम है, बिल्कुल ठीक है। डॉकर ने बोला है कि मेरे अपने डेवलपर से इमेज बनवा के मैंने अपनी वेबसाइट पर रखा है, उसकी वेबसाइट का नाम है hub.docker.com। कह रहा है मेरी वेबसाइट जाइए और वहां से इमेज उठा लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको कौन सी इमेज उसके अंदर डिप्लॉय करनी है? Ubuntu करनी है, लीजिए Ubuntu उठा लीजिए यहाँ से, ये लीजिए Ubuntu मिल जाएगी, ये देखिए। कह रहा है ये Ubuntu 9 इमेज को 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है, आप इसका साइज चेक करना चाहें तो अंदर जाके कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से डाउनलोड होगी, डॉकर फुल Ubuntu डाउनलोड हो जाएगी। और साइज चेक करना चाहिए, इसके स्पेसिफिक वर्जन चाहिए तो ये वर्जन रहे, जैसे आप विंडोज सेंटर ढूंढते ना, ऐसे ही है। अब कह रहा है स्पेसिफिक वर्जन कहाँ से, साइज कितना है भाई, कैसे पता करेंगे? तो साइज आप चेक कर सकते हैं भाई, ये कह रहा है 25 MB की इमेज है। अब इस 25 MB में है क्या? आप भी शौक हो रहे हो ना सारा, ओएस 4 GB का, 25 MB में कौन सा ओएस पड़ा हुआ है कि नहीं? तो अब मैं समझाता हूँ इस 25 MB के अंदर होता क्या। इन्होंने बोला ये जो Ubuntu आपको दिखाई दे रहा है ना, ये Ubuntu इमेज जो दिखाई दे रहा है आपको 25 MB के अंदर, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये लाइट वेट है, इसके अंदर सिर्फ एक बिन बैस नामी सेल है बस, राइट? एक बिन SH नाम का सेल है बस, और कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक दो और कमांड पड़ी होगी, इफ कॉन्फिग ls lookup, बस हो गया। ये चार बाइनरी पड़ी है, तो चार बाइनरी के साइज तो 25 MB हो नहीं, कुछ नहीं है। तो कहता है ये इमेज
ये इमेज को अगर तू ये कंटेनर में डिप्लॉय करेगा राइट, तो अब बात आती है ये बिन बैस बिन एसएच और ये एलएस लुकअप, इसको भी ओएस चाहिए ना, तो ये ओएस कहां से उठाएगा? ये कहेगा ये तेरा बेस मशीन का ओएस ही यूज करेगा। ओएस किसका यूज कर रहा है? बेस मशीन में जो ओएस पड़ा है कह रहा है वही ओएस यूज करेगा, लेकिन उस कंटेनर के अंदर से वो ये इमेज को डिप्लॉय करेगा, ओएस यही यूज करेगा, कर्नल इसी का यूज कर रहा होगा। अच्छा, समझ आ रही? और ये रन हो जाएगा, और जब ये रन हो जाएगा तो इसको ऐसा लगेगा कि मैं सेपरेट हूं, मैं आइसोलेटेड हूं। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? इसी तरीके से उबंटू कहता है कि ठीक है, अगर तुझे अगर तू अपनी इमेज भी बना सकता है, डॉकर क्या कहता है, तू अपनी इमेज भी बना सकता है, तेरे पर डेवलपर बैठे हुए हैं, तो तू एक काम कर, डॉकर फाइल लिख और डॉकर फाइल में तू अपनी इमेज बना ले। अब तू जब अपनी इमेज बनाएगा तो तू यहाँ पे डिफाइन कर सकता है कि भाई मुझे बिन बैस के साथ साथ ना तू एक काम करना, इस इमेज के अंदर टच कमांड भी दे देना, इस इमेज के अंदर तू एक काम करना एमकेडीआईआर कमांड भी दे देना, इस इमेज के अंदर एक काम करना तू एपीटी गेट भी दे देना, इस इमेज के अंदर एक काम करना यम इंस्टॉल की कमांड भी दे देना। तो आप अपनी कस्टम इमेज लिख लीजिए, तो मान लीजिए आपने थोड़ा बहुत 8-10 कमांड और लिख दिया, हो सकता है 25 की जगह 35 हो जाए, 25 की जगह क्या हो जाएगा, 35 एमपी का हो जाएगा, 35 एमपी का होगा ना। तो इसका कहने का मतलब ये कि आपको जितना जरूरत था इमेज में उतना ही लिखा और उस इमेज को लाके आपने डिप्लॉय कर लिया इसके ऊपर। तो पूरा ओएस तो नहीं डाला ना आपने, सिर्फ जरूरत की चीजें डाली। ओएस अभी भी वो यहीं का ही ले रहा है और कर्नल भी इसी का यूज कर रहा है और अपने आप को आइसोलेट समझ रहा है। फिर उसके बाद इसके अंदर आके आप अपना अपाचे चला लीजिए, आपको पता लगता है कि अपाचे आपका इस कंटेनर पे चल रहा है, वो अपाचे को लगता है मैं आइसोलेट कर रहा हूं। सर क्या नाम है, कोई हमारी एप्लीकेशन है वो इस पर चल रही है, ठीक है, अब वो किसी कारण से मतलब कस्टमर को प्रॉब्लम आ रही है, एप्लीकेशन नहीं लेट से रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही। हाँ, जैसे आपको bookmyshow.com अब जैसे उसके वो किसी ओएस के ऊपर है और आपको कहने मतलब ये है कि क्या नाम है इसमें केवल और केवल उतनी चीजें हमें चाहिए हैं जितनी एक एप्लीकेशन को रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड बस है, बिल्कुल ठीक है सर। उसका एक जैसे लिनक्स वाले ओएस पे है उसका एक माउंट पॉइंट भी होगा कि जिसमें से कि डेटा फेच हो रहा होगा जो भी लॉग है, तो सर अगर वो उस पे फुल हो गया माउंट पॉइंट तो फिर उस केस में ये फुल हो गया बोल रहे हो? हाँ 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 हाँ, मतलब देखो आप बताता हूँ, जैसे आप ये फिजिकल मशीन फुल हो गई। हाँ हाँ फिजिकल, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बोलो। तो वो फुल हो गए तो उस केस में हम ट्रबल शूट तो कर ही नहीं पाएंगे, जो डेटा होगा वो बता रहा हूँ। आपका क्वेश्चन एकदम बढ़िया है कि सर आप ठीक कर रहे हो, इस पे यूज बढ़ता गया, यूटिलाइज बढ़ता गया, ये 512 GB का हार्डवेयर ही फुल हो गया तो क्या करोगे? उस केस में कंपनी क्या करती है कि जो यहाँ पर ये जो डॉकर होस्ट है ना इसके क्लस्टर बनाती है। अच्छा, क्लस्टर का मतलब कि अब एक हार्डवेयर नहीं होगा, बाजू में एक और खड़ा होगा, बाजू में एक और खड़ा होगा, एक्टिव पैसिव मोड में पूरा लोड बैलेंसिंग रहेगा। अच्छा, पूरा ऑटो स्केलिंग रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, पूरा फॉल्ट टॉलरेंस रहेगा कि कल को अगर ये हार्डवेयर क्रैश होगा तो ये कंटेनर अपने आप इस हार्डवेयर पे आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ठीक है ठीक, समझ आ रही है? तो फॉल्ट टॉलरेंस मिल गया ना, तो कंपनी बोले ये क्वेश्चन आपका नहीं है, ये क्वेश्चन सबका है। सब लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आप तो बहुत बढ़िया बता दिया, लेकिन अगर ये ओएस ही चला गया, फिजिकल हार्डवेयर ही चला गया, बिल्कुल सर, तो डॉकर को भी तो ये बात पता है ना, तो डॉकर ने बड़ा फैसिलिटी है ना, एक काम करो, कहता है कि एक नोड पे मत चलाओ, फिर आप नंबर ऑफ नोड रखो, तो कल को ये फिजिकल डाउन होगा तो आपके कंटेंट अपने आप इस नोड पे शिफ्ट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा विद इन द सेकंड। या फिर आप प्लान ही अच्छा ऐसा प्लान बना के रखो कि मान लो आपको अपना एप्लीकेशन है एक कंटेनर पे नहीं चलानी, 6 पे चलानी है, तो आप अपने 6 कंटेनर यहाँ मत बनाओ, 2 यहाँ बनाओ, 2 यहाँ बनाओ, 2 यहाँ बनाओ, तो कल कोई डाउन भी होगा कोई दिक्कत नहीं पड़ता यार, 4 कंटेनर 2 नोड पे, एप्लीकेशन लाइव है, एप्लीकेशन लाइव है। अब सवाल आता है डेटा का क्या होगा, तो डेटा का क्या करिए, बैकएंड में आप यहाँ पे एनएफएस वॉल्यूम रखिए। नहीं, जब हम क्या नाम है क्लस्टर, जैसे आपने कहा कि 2 कंटेनर यहाँ हुए, 2 यहाँ हुए, 2 यहाँ हुए, ठीक है, एंड दीस टू बॉक्सेस आर फॉर क्लस्टर्स, बिल्कुल हमारा क्लस्टर एक्टिव पैसिव नोड पे है, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो जैसे एक हमारी नोड डाउन होती है तो जैसी बात जब एक्टिव पैसिव में तो दूसरी नोड, यहाँ पर एक्टिव पैसिव नहीं चल रहा होता, यहाँ पर सारे लाइव होते हैं, यहाँ पर क्लस्टर का कॉन्सेप्ट है, तो क्लस्टर ही तो मैं बता रहा हूँ, क्लस्टर भी तो एक्टिव पैसिव नहीं, यहाँ पर सारे नोड एक्टिव रहेंगे। ओके, यहाँ पर ऐसा नहीं रहेगा कि ये अप है तो ये डाउन है, नहीं, यहाँ सारे एक्टिव रहेंगे।
अच्छा जैसे कि हमारा हाँ, जो माउंट पॉइंट इस पे विजिबल है ठीक है, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, देन ये भी एक्टिव है, तीनों एक्टिव है, लेट्स से कि हम वो माउंट पॉइंट इस पे देखना चाहेंगे हाँ, तो इस पे दिखेगा जो लोड एवरेज जो हमारा जाएगा वो किस पे जाएगा फिर लोड। देखो क्या होता है कि कंटेनर जैसे चल रहा है, एक कंटेनर चल रहा है राइट, अब ये कंटेनर क्या कर रहा है 20 एमबी रैम यूज कर रहा है, ये कंटेनर क्या कर रहा है आपका 20 एमबी रैम, तो 20 एमबी का कोई लोड बहुत बड़ा लोड नहीं है, और आप यहाँ पर कंटेनर की साइज को नहीं बढ़ाते हो, कंटेनर की रेप्लिका मांगते हो। हाँ रेप्लिका मांगते हैं, बिल्कुल सही बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सर अगर एक ओएस के ऊपर या जैसे आप स्टडी तो जैसे हमारा है क्या नाम है ये क्लस्टर है सारे एक्टिव एक्टिव है, अगर हमने वो माउंट पॉइंट इस पे भी देखा इस पे आप माउंट पॉइंट किसको बोल रहे हो, कोई वॉल्यूम वगैरह माउंट NFS वॉल्यूम माउंट को बोल रहे हैं, नॉर्मल माउंट पॉइंट हाँ ठीक है ठीक है हाँ। वो माउंट पॉइंट हमें इस पे भी विजिबल होगा, इस पे भी विजिबल होगा, इन केस कुछ एक्टिविटी परफॉर्म होती है लोड एवरेज सडनली हाई चला जाता है हमारा, तो लोड एवरेज हमारा इस वाली मशीन इस वाले मान लो अगर आपके पास ऐसा आपका क्वेश्चन तो ये कि अगर सडनली लोड एवरेज हाई चला गया मतलब फिटिंग ज्यादा आ गई तो क्या होगा, ये बोल रहे हो ना, तो आप ऑटो स्केलिंग लगा के रखो। ऑटो स्केलिंग का मतलब जैसे आपने एक कंटेनर बनाया इस पे एप्लीकेशन चला के छोड़ दिया, अब आपने बोला यार इस पे 10% लोड है तो एक कंटेनर सफिशियंट है, हमने ऐसी सेटिंग डिफाइन करनी होती है कि अगर लोड 20% आया ना तो एक और कंटेनर आ जाना, समझ रहे मेरी बात को ध्यान से, हमने ऐसे डिफाइन करनी पड़ेगी कि लोड अगर 10% और बढ़ जाए तो एक और कंटेनर आ जाना, और लोड अगर 50 हो जाए तो दो और कंटेनर आ जाना, तो लोड अगर 70 हो जाएगा तो कंटेनर की रेप्लिका होती जाएगी ठीक है, और जो रेप्लिका होगी वो एक सिंगल नोड के अंदर नहीं होगी, वो दूसरे नोड में भी जाती रहेगी, दूसरे नोड में भी जाती रहेगी, तो अगर आपका लोड बढ़ रहा है तो कंटेनर की स्केलिंग होती रहेगी ठीक है, समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर, क्लियर हो गया जो क्वेश्चन था, तो और जो स्केलिंग हो रही है वो डिपेंड करेगा आपके पास कितने नोड है, अगर आपके पास एक ही नोड है तो एक ही नोड के अंदर नंबर ऑफ कंटेनर की स्केलिंग होगी। अच्छा नंबर ऑफ कंटेनर नहीं, मेरा एक क्वेश्चन ये भी है हाँ। कि जैसे आपने रेप्लिका बना दिया है, हीटिंग आती जा रही है, वो डिवाइड होता जा रहा है ठीक है, तो जो हमारा लोड एवरेज है वो बेसिकली इस मशीन पे जाएगा, इस पे जाएगा या किस पे जाएगा, ऊपर लोड बैलेंसर लगा रहेगा, फिर हम ऐसा सिनेरियो सेटअप करेंगे कि भाई लोड बाहर से जो हीटिंग आती है वो सीधे कंटेनर पे ना जाए, हमने बोला लोड बैलेंसर पे आए। अच्छा तो बाहर से जो हीटिंग आएगी वो लोड बैलेंसर पे आएगी, अब लोड बैलेंसर देखेगा अच्छा एक कंटेनर तो एक के पास भेजेगा, अच्छा उसने बोला 10% लोड और बढ़ गया तो एक उसने दूसरा कंटेनर बनाया तो अब दूसरे को भी भेजेगा, 50% आ गया तो तीसरे को भी भेजेगा, 70% हो गया तो पता लगता है एक कंटेनर दो कंटेनर इस नोड पे है तो इन नोड को भी भेजेगा और लोड बैलेंसर ऊपर बैठा रहेगा ठीक है ठीक है, तो हमें लोड बैलेंसर सेट करना, बिल्कुल बिल्कुल ये सब आपके कोर्स में है, यही तो ब्यूटी है डॉकर कुबरनेटिस की, साला पूरा का पूरा कंटेनर सेटअप चला देते हो, समझ में आ गया, आपके दिमाग में वही क्वेश्चन आ रहा था जो कंपनी में फिजिकली हम करा कर देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर पहले यहाँ पे भारतीय वाले एनवायरनमेंट में देखा था, किया बिल्कुल होता है, बड़ी बड़ी मशीनें थी यहाँ पर, तो एक एक्टिव पैसिव एक्टिव एक्टिव ये सब कंसेप्ट होता था, लेट्स सी कि हमारा कोई माउंट पॉइंट नहीं विजिबल हो पा रहा, मतलब वो फिर दूसरी पैसिव नोड पे पहुंची क्योंकि दूसरी नोड एक्टिव, मतलब होता है ना कि एक्टिव पैसिव आपने सुना होगा वेरिटास पे और RHEL का जो क्लस्टर होता है ना, तो इसमें एक्टिव एक्टिव नोड एक्टिव पैसिव नोड, लेट्स सी हमारा कोई माउंट पॉइंट नहीं विजिबल हो पा रहा, दूसरी मशीन पे देखते हैं तो वहां विजिबल हो रहा, तो ऐसा रहता है, समझ आ गई मेरी बात यहां पर, एक मिनट चलो क्लियर हो गया यहाँ पर, उठा लो उठा लो फोन उठा लो, हेलो यहाँ तक हो गया क्लियर, हो गया जो डाउट था, तो होता क्या है देखो कि हमने इसके ऊपर अपने एप्लीकेशन चला रहे हैं, अब ये एप्लीकेशन इसके ऊपर रन हो रही है, अब ये एप्लीकेशन उतना ही रैम लेगा जितना इसको जरूरत है, उससे ज्यादा लेगा ही नहीं, लेगा कहाँ से, होस्ट मशीन से उठा लेगा, अभी इसको 5 MB रैम चाहिए तो 5 MB ले लिया, 10 MB चाहिए तो 10 MB ले लिया, 20 चाहिए तो 20 ले लिया, तो ऐसी कर करके आप हर एक एप्लीकेशन को एक एक कंटेनर पे चलाइए आइसोलेटेड चल रहा है, तो अगर मैं आपसे बोलूं 512 GB में आप 100 कंटेनर चला रहे थे ना, मैं आपको 512 GB में 10,000 कंटेनर चला के दिखा दूं,
10,000 कंटेनर और 10,000 कंटेनर में मेरी अपनी इंडिविजुअल एप्लीकेशन चलेगी। तो इसका मतलब कि भाई आप माइक्रो सर्विसेज भी चला रहे हो बढ़िया, तो इसका मतलब ये बेटर रिसोर्सेज को यूज किया ना इसके कंपेयर, भीड़ भी नहीं रही, कचरा भी नहीं रहा, है? मैं ज्यादा से ज्यादा 10 फिजिकल नोड खरीद तो 10 फिजिकल नोड पे मेरा पूरा सेटअप चल रहा है क्लस्टरिंग बना के, भाई कल को एक फिजिकल डाउन होगा दूसरे में तो पड़ा हुआ है कंटेनर। ये भी फैसिलिटी है आपके पास कि मान लो 10,000 कंटेनर इस पे चल रहे हैं ना, आपका क्वेश्चन ये था कि कल को अगर ये फिजिकल लोड डाउन हो गया, क्रैश हो गया, तो इसके 10,000 कंटेनर क्या होंगे, ये 10,000 कंटेनर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे अपने आप। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में एक और आना चाहिए, सर 10,000 कंटेनर में कुछ डेटा वगैरह होगा उसका क्या होगा? तो कंपनी क्या करती है, कंटेनर में कोई स्टोरेज डेटा स्टोर नहीं करती, सिर्फ रन टाइम प्रोसेस करती है, रैम पे डेटा स्टोर नहीं करते ना, है ना। तो कंपनी क्या करती है, बैकएंड में सैन स्टोरेज अलग लगाएगी, सैन या NFS। तो कंपनी का सैन स्टोरेज ये होगा, और कंपनी जब कंटेनर बनाएगी तो कंपनी बोलेगी कंटेनर लाइव जो रहेगा, कंटेनर जो रिस्पॉन्स करेगा वो करेगा, ठीक है, लेकिन कंटेनर पे जो डेटा आएगा वो डेटा वॉल्यूम पे आ जाए सैन। तो कल को यही सैन इधर भी माउंटेड है, तो कल को ये फिजिकल नोड क्रैश हुआ तो उसके 10,000 कंटेनर जब यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो सैन भी ऑटोमेटिक माउंट हो जाएगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा डेटा कहाँ गया। और अगर आपको सैन का बैकअप रखना है तो आप यहाँ पे सैन का बैकअप रखेंगे ना, से पूरा का पूरा सेटअप सर, ये भी है पूरा बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जितनी डिस्कशन करें पूरी लाइफ, भाई प्रोडक्शन में काम करना है, समझ आ गया मेरी बात यहाँ पर, ठीक है। तो ये है, अब क्या हुआ कि डॉकर नाम की कंपनी थी, राइट। अब डॉकर नाम की कंपनी 2013 में आई, 2013-14 में आई और बोली हम कंटेनर बेस वर्चुअलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन यहाँ पर भी हो रही है बल्कि कंटेनर बेस वर्चुअलाइजेशन हो रही है, और इसको कहा जाता है थिन वर्चुअलाइजेशन। क्या बोला जाता है, थिन वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन के ऊपर वर्चुअलाइजेशन, क्योंकि आप ऐसा भी कर रहे हो कि OS ना डाल के VMware डाला, VMware के OS, VMware के ऊपर OS और उसके ऊपर कर रहे, बिल्कुल है कि नहीं। तो इसको बोला जाता है थिन वर्चुअलाइजेशन। लेकिन अब सवाल आता है कि जब मार्केट में डॉकर आया था ना तो डॉकर वो क्लस्टरिंग वाला फंडा पहले नहीं दे रहा था, ठीक है। डॉकर 2013 में आया और 2013 में जब डॉकर आया, लेकिन डॉकर कंटेनर बेस वर्चुअलाइजेशन लेके आया, जैसे आप बोलते हो रेड हैट ने वर्चुअलाइजेशन ला दिया, VMware ने लाया, डॉकर ने 2013 में लाया, लेकिन गूगल नाम की कंपनी 2005 से कंटेनर बेस वर्चुअलाइजेशन यूज कर रही है। डॉकर तो 2013 में लाके दिया, 2005 बोल दिया मैंने, हाँ ठीक है 2005 से यूज कर रही हूँ। उसके बाद गूगल नाम की कंपनी यूज मत नहीं कर रही, गूगल का प्रोडक्शन प्रोडक्शन एनवायरमेंट में गूगल कंटेनर बेस वर्चुअलाइजेशन चला रही, मतलब वो VMware ओपन स्टैक जेनफिन नहीं है, उनका पूरा का पूरा प्रोडक्शन कंटेनर बेस वर्चुअलाइजेशन चल रहा है, गूगल जैसी कंपनी का 2005 से चल रहा है, तभी तो गूगल फास्ट है, क्योंकि भाई एक कंटेनर डाउन होता है विद इन द सेकंड क्रिएट हो जाता है आपका। अगर मैं कहता हूं अगर आपका पूरा प्रोडक्शन VM पे चल रहा है, एक VM डाउन होता है, क्या गारंटी है कि विद इन द 5 मिनट में क्या आ जाए, 5 मिनट में नहीं आता कभी, उसके बाद इंजीनियर आएगा, है ना, हार्डवेयर लेकर के आएगा। चलो आपने सेटिंग भी कर रखी कि भाई ऑटोमेटिक सेटअप क्रिएट हो जाए, तो एटलीस्ट वो VM हटेगी तो 5 मिनट OS वगैरह डिप्लॉयमेंट नहीं लेता है। ये कह रहा है कि कंटेनर एक डाउन होता है ना तो विद इन द सेकंड दूसरा कंटेनर आ जाता है, आपको पता भी नहीं, तो स्पीड हुई कि नहीं हुई, तो इसलिए गूगल फास्ट। और उसके बाद जब गूगल ने देखा कि अच्छा डॉकर कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन दे दिया मार्केट में, तो डॉकर गूगल बोलता है ये ले मेरा प्रोडक्ट, मैं कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन 2000 से यूज कर रहा हूँ अपने प्रोडक्शन में, जिसका नाम Kubernetes है, बोर्ग है, बोर्ग के नाम से, और बोला ये लीजिए मेरी तरफ से गिफ्ट है फ्री में यूज कर, और बहुत रिलायबल है, मैं तो प्रोडक्शन में चला रहा हूँ। डॉकर क्या है, डॉकर तो एक कंपनी है जो आपको बनाकर दे रही है, डॉकर ने कभी प्रोडक्शन में थोड़ी चलाया कंपनी ने, वो तो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है ना, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन Kubernetes गूगल क्या बोलता है, ये तो मैंने अपना बनाया है और मैंने चलाया और लाइव चल भी रहा है, देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया रिलायबल है, आप ले लीजिए फ्री में ले लीजिए। तो गूगल बोलती है फ्री में नहीं, फ्री में ले लीजिए, लेकिन इसका नाम बोर्ग है, हम बोर्ग के नाम से मत यूज करिए, Kubernetes के नाम से। तो गूगल ने उसको Kubernetes के नाम से दे दिया कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। तो डॉकर भी कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन दे रहा है और गूगल भी दे रहा है, लेकिन जब डॉकर दिया था 2013 में ना तो डॉकर क्लस्टरिंग का फीचर नहीं प्रोवाइड कर रहा, सिर्फ कह रहा था एक नोड में कंटेनर बनाइए उस पर काम करिए, मतलब डेवलपर के लिए ठीक था कि डेवलपर ने एप्लीकेशन बनाया, अब उसको फिजिकल VM चाहिए तो भाई ले तू डॉकर आता है तो तू एक कंटेनर बना, उस पे Ubuntu डाल, एक पे Linux डाल, एक पे Mac डाल और टेस्टिंग कर ले,
बट ये प्रोडक्शन के हिसाब से क्लस्टरिंग नहीं कर सकते, जो आपका क्वेश्चन आ रहा था, डॉकर नहीं दे रहा था, गूगल शुरू से दे रहा था, गूगल तो कब से चला रहा है, तो लोगों का गूगल का ट्रस्ट बन गया, भाई गूगल तो बहुत कितना चला रहा है, लेकिन अब डॉकर भी देना स्टार्ट कर, डॉकर सॉन्ग, डॉकर कहता है मैं भी दे रहा हूँ, तो अब सवाल आती है कि ठीक है भाई डॉकर को उठा लो, लेकिन अभी भी लोग डॉकर को प्रोडक्शन पर नहीं उठाते, क्यों नहीं उठाते हैं, क्योंकि जो उसके एपीआई सर्वर हो गए, कंट्रोलर वगैरह हो गए, जो उसके फंक्शंस होते हैं ना, डॉकर क्या करता है, एक ही नोड में रखता है, उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते, डॉकर ने उसको बाइंड कर दिया है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ओएस के साथ बाइंडिंग कर देता है, दिया तो है क्लस्टरिंग का फीचर लेकिन बाइंड करके दिया है, कुबरनेटिस बोलता है कि मैं ओपन करके दे दिया, आप उसको कस्टमाइज कर लीजिए, तो इसीलिए लोगों का ट्रस्ट आज कुबरनेटिस के साथ ज्यादा होता है कंपेयर टू द डॉकर, समझ आ रही मेरी बात, लेकिन अगर मैं सीधे कुबरनेटिस स्टार्ट कर दूं ना, आपके सर के ऊपर से जाएगा, क्योंकि बेस क्लियर ही नहीं होगा, तो इसीलिए हम पहले डॉकर पढ़ते हैं फिर कुबरनेटिस, तो कुबर जब क्लस्टर मैनेजमेंट की बात आती है, क्लस्टर को बेटर मैनेजमेंट करना, ऑटो स्केलिंग लगाना, टॉप में लोड बैलेंसर रखना, राइट, फॉल्ट टॉलरेंस डिफाइन करना, तो कुबरनेटिस इज द बेस्ट आर्किटेक्चर सेटअप के लिए, कंटेनर के अंदर काम वगैरह करना है, कंटेनर बनाना है, एप्लीकेशन चलानी है, वॉल्यूम माउंट करना है, इमेज फाइल बनानी है, कंपोज लिखनी है, उसके लिए डॉकर इज अ गुड, लेकिन जब आर्किटेक्चर की बात आती है कि भाई चार फिजिकल नोड रख दिया गया, अब इस पे सेटअप रेडी करना पूरा प्रोडक्शन का, तो कुबरनेटिस इज द बेस्ट, तो कई कंपनी, अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर यस आपसे कंपनी पूछी कि भाई सब कुछ मेरा चल रहा है तो फिर मैं डॉकर को क्यों लाऊं, तो अब क्लियर हो गया कि भाई आप फिजिकल वेस्ट कर रहे हो, डॉकर इंप्लीमेंट कर लीजिए, फायदा हो जाएगा, कोई कंपनी बोलती वीएम पे चल रहा है तो क्या, तो आप भी समझा दोगे, कोई कंपनी बोलती एडब्ल्यूएस पे चला रहे, अब क्या एडब्ल्यूएस पे भी आपने इंस्टेंस बनाया होगा, तो साला 10 GB का एक इंस्टेंस दिया होगा ना, 10 GB में एक ही एप्लीकेशन चला रहे होगा ना, मैं 10 GB में 10 चला के दे दूंगा, तो पेमेंट तो एडब्ल्यूएस को जा रहा होगा ना सेफ, अब आंसर आ गया आपके सामने, तो ये क्वेश्चन एक्सपीरियंस बंदे से पूछा जाता है, भाई एक्सपीरियंस बंदा डॉकर कुबरनेटिस पढ़ के वो कंटेनर नहीं बनाएगा कंपनी में जाके, भाई कंटेनर नहीं बनाएगा, तुझे तो पूरा आर्किटेक्चर सेटअप करना है, इसलिए कंपनी का एक प्रोजेक्ट आया, इस प्रोजेक्ट को सेटअप करना नहीं, ये प्रोजेक्ट सेटअप करना है, भेज देना है, सीधे बोला भाई ये प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट सेटअप करना है, अब प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए मैं कहता हूँ एक बंदे को सिर्फ इतनी ही नॉलेज है कि हार्डवेयर जानता है, तो अब उस प्रोजेक्ट सेटअप करना है, उस पर 5000 VM चाहिए, 5000 सर्वर चाहिए, अब वो मार्केट से 5000 हार्डवेयर खरीदवाएगा, राइट, चल थोड़ा सा नॉलेज है, हाइपरवाइजर जानता है, तो 5000 नहीं तो मैं कहता हूँ 50 बड़े बड़े सर्वर खरीदवाएगा, उस पर वीएम बनाएगा, तो भी कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है ना, एक अच्छा डॉकर कुबरनेटिस वाला बंदा क्या करेगा, इतने नहीं, वो कहेगा एक बड़ा हार्डवेयर ले ले, ज्यादा से दो ले ले, ज्यादा से तीन ले ले, कॉस्ट बचा दे उसने, क्या इसी पे पूरा सेटअप चला के देगा, पूरा सेटअप इसी पे चला के देगा, तो भाई आप इस वाले मेथड से कर रहे थे तो 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे कंपनी के, इस वाले मेथड से कर रहे थे बंदा 8 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा था, इस वाले मेथड से आप कर रहे, पता लगता है कि 2 से 3 करोड़ रुपए में आपने पूरा प्रोजेक्ट चालू करके दे दिया, सिर्फ आपको क्या चाहिए, एक डॉकर कुबरनेटिस के इंजीनियर चाहिए ना, दे दो ना 1.5 लाख रुपए सैलरी, कौन नहीं कम कर ले, आज के टाइम में डॉकर कुबरनेटिस में अगर किसी को 1.5 लाख सैलरी मिले तो मना करेगा क्या, कोई भी आराम से कर देगा, तो कंपनी का कॉस्ट किसने बचाया है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप ने बचाया, तो ये बेनिफिट है कंपनी को अगर डॉकर कुबरनेटिस को अडॉप्ट करती है, और मैं कहता हूँ फ्यूचर में करेगी, चाहे वो कंपनी क्लाउड में बैठे, चाहे वो फिजिकल पे बैठे, चाहे ओपन स्टैक के ऊपर बैठे, चाहे वीएम के बैठे, चाहे एजोर के ऊपर बैठे, चाहे गूगल के ऊपर, कुबरनेटिस डॉकर तो यूज होना ही होना है, अगर ओपन स्टैक के ऊपर भी आप चला रहे हो तो वीएम के ऊपर चलाओ ना डॉकर कुबरनेटिस, सही बात, समझ में आ रही मेरी बात यहाँ पर, तो इसीलिए इंटरव्यू में जाओ तो कई कंपनियां बोलती हैं AWS आता है ठीक है डॉकर कुबरनेटिस भी आना चाहिए, क्योंकि उनका उनका माइंड सेट है भाई उसके ऊपर हम 1000 VM नहीं बनाएंगे, 8-10 VM के ऊपर काम करेंगे, क्लियर हो गया फंडा, चलो अब सवाल आता है कि हम इसको सीखेंगे कैसे, पूरा एजेंडा समझ जाएगा, हमें एंड ऑफ डे करना क्या है, एंड ऑफ डे हमें यही आना कि सर क्लस्टरिंग बना के देखना एंड ऑफ डे, और ये भी देखना है कि भाई एक फिजिकल नोड डाउन हो तो उसके कंटेनर शिफ्ट होने चाहिए, तो ये तो लाइव लैब करेंगे तब तो लाइव एक्सपीरियंस आएगा ना हमें, तो अब हमें शुरू से एकदम बिगनर लेवल से स्टार्ट करना है कि सबसे पहले हम तो देखेंगे भाई डॉकर पढ़ेंगे फिर कुबरनेटिस, तो हम देखेंगे भाई लैब कैसे बनाए, जब तक लैब नहीं बनेगी तो आगे हम कुछ नहीं कर सकते, तो लैब बनाने के लिए ये आपका लैपटॉप है, इस लैपटॉप के ऊपर VMware डल जाएगा, VMware के ऊपर CentOS डाल लीजिएगा, उस पर आप लैब करिए कोई दिक्कत नहीं है, राइट,
या फिर आप AWS में एक इंस्टेंस बना लीजिए, उस पे डॉकर का पैकेज डाल लीजिए, उस पे लैब करिए, कोई दिक्कत नहीं। Azure के ऊपर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये भी फंक्शनलिटी है। तो जब तक ये रेडी हो रहा है तब तक हम AWS के ऊपर इंस्टेंस बनाकर देख लेते हैं। और आई थिंक मुझे पता है कि आपने AWS पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। सही सर। कितना है? अभी सर मैं बता दूं, मैं ब्लैंक बैठा हूं, पढ़ना स्टार्ट करूंगा सर। नहीं नहीं देखो मैं बता रहा हूं, यस आप जैसे अभी जॉब चली गई ना, थोड़ा सा एक महीना मेहनत कर। हां सर बस मतलब घर द्वार थोड़ा सा दूर, एक महीने के लिए छोड़ छाड़ के अच्छे से पढ़ाई करो, वही करना पड़ेगा। और थोड़ा सा माहौल बनाओ पढ़ाई का बढ़िया से। हाँ सर यही है, बहुत तो मेरी मतलब जॉब जाने का कारण ही यही था। अभी एक बंदा मैसेज किया था मेरे को लिनक्स के ऊपर जाओ। कहाँ पर सर? रुजा बोल सर। कितना रैम है इसमें? रैम तो होगा इसमें, ये आइए जाओगे? हाँ सर। मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ ना, बंदे ने मेरे को भेजा है सर, देख लो पकड़ना तो पकड़ लो जब तक नया नहीं मिलता। भेज दिया आपको, देख लेना हो जाएगा आपको उससे। अच्छा विप्रो है सर, थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी है, देख लो जम रहा है तो ठीक है। अरे सर थर्ड पार्टी में मैं जॉब करके देख चुका हूं, बेकार होता है ना। रुला देते हैं फिर वो सर, सैलरी टाइम पे नहीं आती। सैलरी टाइम पे नहीं आती है और फिर थोड़ा रिस्पेक्ट भी कम रहता है। सर एसेंचर में है कुछ? एक्सेंचर में? एक्सेंचर में मेरे एसेंचर में बेहिसाब वैकेंसीज है। हाँ एक बंदा है, नंबर दे दूंगा, बात करना ये मैं बात करूंगा ना। हाँ सर अभी तो दो चार दिन से थोड़ा बेच का आ जाऊँ। समझ में आ गई बात? हाँ जी सर। इतना क्लियर हो गया? अब देखो तो AWS पे जाके एक इंस्टेंस बनाते हैं, उस पे लैब करेंगे पहले, राइट? तो सबसे बेस्ट है कि आप Amazon का लिनक्स उठा लो, सबसे बेस्ट है, राइट? Amazon का लिनक्स उठा लो। यहाँ पे नाम कुछ भी दे दो, जैसे मैंने दे दिया टॉपर पोस्ट दे दिया। की दे देता हूँ, ये सब तो क्लियर ही होगा। हाँ ये तो और ये मैं यहाँ से एक्सेस कर लेता हूँ, एक टैब ओपन करके। पुट्टी होगा तो पुट्टी में कर लीजिए। हाँ। तो किया होगा आपने सब कुछ ना, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो अभी ये एक मशीन है सर, कुछ भी नहीं है, जैसे आप यहाँ पे सेंटोस डालो ऐसी मशीन है। अभी अगर मैं इस पे डॉकर इन्फो करूं तो आपको कमांड नॉट फाउंड बताएगा, भाई डॉकर का पैकेज ही नहीं है, है ना? लिख रहे हो? हाँ सर। लिख लो, या रिकॉर्ड तो हो रहा है सर? नहीं फिर भी सर। हाँ लिखो लिखो, जो डाउट है लिखा हुआ। हाँ लिखा हुआ।
डॉकर इन्फो, ये डॉकर मतलब कंटेनर की इंफॉर्मेशन जाननी है, इंफॉर्मेशन। लेकिन अभी कमांड नॉट फंड बता रहा है भाई डॉकर का पैकेज ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे कमांड चलाना, इधर देखो यम इंस्टॉल डॉकर, ये AWS पे बता रहा हूँ, यम इंस्टॉल डॉकर, एंटर कर देना, डॉकर इंस्टॉल होने लग जाएगा। कह रहे 214 MB का, ठीक है भाई वाई कर दो, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। हो गया, लेकिन आपको इसका डेमन स्टार्ट करना पड़ेगा। सिस्टम से पहले स्टार्ट किया मैंने यहाँ पर डॉकर, तो अब देखो ये डेमन स्टार्ट हो गया और इसको इनेबल कर लो, ये हो गया इनेबल। तो अब मैं डॉकर इन्फो करूंगा तो देखो मेरे सामने आउटपुट आ गया, इसका मतलब डॉकर इंस्टॉल हो गया। डॉकर इंस्टॉल होने के बाद अब इस पर कंटेनर बना सकते, अब ये डॉकर होस्ट मशीन हो गया। तो ये तो हो गया AWS का। एक बार मैं आपको उस पर भी दिखा देता हूँ फिजिकल में, वो लैपटॉप देना मुझे। ठीक है, तो मान लो आपके इंस्टॉल होने के बाद किस टाइप से होगा, ऐसा होगा, ठीक है इस तरीके से होगा, और इस तरीके से आपको मैंने इसमें स्नैपशॉट इसका बना रखा है, और ये चीजें तो आपने कई साल पहले कर लिया होगा, स्नैपशॉट वगैरह का। स्नैपशॉट को मैं रीलोड करके मैं ब्लैंक कर सकता हूँ उसको। ये AWS में रिस्टोरेशन इमेज का ये AMI करती है ना, Amazon इमेज है, Red Hat की भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब हम लोग पैचिंग वगैरह करते थे पहले AMI से बैकअप वगैरह, हाँ AMI मतलब AMI जो आप बोल रहे हो वो इमेज बनाने को AMI बोलते हैं। जैसे क्या होता है कि आपने AWS में कंस्ट्रक्शन बनाया, ठीक है, उस पर कॉन्फिगरेशन कर दिया, उसकी इमेज बनाते हो, उस इमेज को AMI कहा जाता है, Amazon मशीन इमेज, ताकि जो मशीन हमारी जिस स्टेट में उसी स्टेट में उसी स्टेट। ये आपने AWS का जब पढ़ोगे ना तो मैं उस पर बताया आपको, हाँ। जब मैंने ऑटो स्केलिंग का टॉपिक डिस्कस किया। सर चीजें तो बहुत सही रखी हुई है, अब पढ़ाई नहीं लगा अभी तक। नहीं नहीं, आदमी प्रोडक्शन में काम कर लेते हैं ना तो उसको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। जैसे आपने IBM में काम किया है, SCL में काम किया है, फिर भी कैचिंग पावर तो अच्छी हो जाती है। हाँ, चीजें समझ में आने लगती है। मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज पढ़ा दो, बस क्या है कि सही से डिलीवर हो रही तो पकड़ लेता है। ठीक है, तो ऐसी रहेगी मशीन। इस पे एक काम और करना पड़ेगा आपको, इंटरनेट चेक कर लेना भाई, इंटरनेट चलना चाहिए, क्योंकि मैं डॉकर का पैकेज इंटरनेट से उठाऊंगा अभी तो नहीं चल रहा इंटरनेट, तो क्या करना होगा पता है, NMCLI कनेक्शन एड कॉन नेम, ये सब तो बहुत बात किया होगा है ना, कनेक्शन नेम, नेम DHCP रख लेता हूँ, इफ नेम इंटरफेस का नाम आएगा, ENS टैप वाला ले लिया और टाइप इथरनेट ऑटो कनेक्ट यस एंटर, उसके बाद NMCLI कनेक्शन अप DHCP पर, तो अब इसमें गूगल चलना स्टार्ट हो जाएगा। गूगल क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि मैं वहां से पैकेज डाउनलोड करूंगा है ना, क्योंकि EPL रिपोजिटरी जैसे आई थिंक ये रिस्टोरिंग स्टेट अभी रिस्टोर हुआ नहीं प्रॉपरली यहाँ पे ना, इसलिए मेरठ तो यहाँ से बहुत पास होगा। हाँ सर, 1.5 घंटा लगता है, पर आजकल जैसे हाईवे वगैरह बनता है तो 3-3 घंटे भी। पापा वगैरह वहीं रहते हैं? हाँ सर, पापा फैमिली पूरी में रहती है। बिजनेस होगा? नहीं, पापा डॉक्टर है सर। अच्छा अच्छा, किस चीज के? पापा आयुर्वेदिक के डॉक्टर है, पैरालिसिस के। अच्छा अच्छा अच्छा, ये फेल हो गया।
मेरठ में तो इसको दंगे बहुत होते हैं। हाँ सर, इस बार काफी टाइम बाद वहाँ पे एक मिनट मुझे लैपटॉप वहाँ रीजन क्या है इतने दंगे होने का? सर एक्चुअली मॉमडन्स बहुत ज्यादा रहते हैं और मॉमडन ज्यादा है और उन लोग मुझे लगता है कि अनस्किल्ड भी है थोड़ा सा। सर मॉमडन तो ज्यादातर आपको अनस्किल्ड ही मिले, मतलब पढ़े लिखे वाले नहीं, वैसे छोटे मोटे काम में ज्यादा स्किल वाला बंदा कोई है ही नहीं, पर पढ़ाई पढ़ाई लिखाई में एजुकेशन है कुछ ही लोग है। हाँ तो एक रीजन ये भी है, फिर उनको जैसा बोलते जाते तो वो बढ़ा जाते हैं। पॉलिटिशियंस भी है कि पॉलिटिशियन भड़का दिए तो बढ़ते हैं। ये लोग कहते हैं बीजेपी जो भी सरकार है कुछ नहीं है सर, इन्होंने एनआरसी और सीए जो आया ये 85% हिंदुओं को इकट्ठा करने की बजाय इन्होंने 15% मुसलमानों को इकट्ठा कर दिया। भैया अगर मेरे को आपसे डर है और ये भाई भी मेरे साथ है तो आप मेरे को कुछ कहोगे तो ये मेरे सपोर्ट में आएगा कि हाँ भी कल को ये मेरे को कह रहा तो कल को ये भी कह सकता है। इन्होंने वो चीज इकट्ठी कर दी है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब ये ओपोजिशन पता नहीं क्यों फलते हैं सर, इन्होंने भड़काया है बहुत पब्लिकों को। सर बीजेपी करवा रही है ना, मतलब आप मतलब इन्होंने कहा है कि हम बाहर से अफगानिस्तान से बांग्लादेश से पाकिस्तान से माइनॉरिटीज लेंगे, वहां पे माइनॉरिटीज में हिंदू आते हैं, मतलब मोमडन्स को छोड़ के अदर कास्ट माइनॉरिटीज में आती है, बट अगर हम फिर उसमें देखें मुस्लिम में जो शिया सुन्नी जो होते हैं ये वहाँ पे माइनॉरिटीज में आते हैं क्योंकि इतनी मिलती नहीं, तो फिर आप उनको क्यों नहीं दे रहे हो? ये भी इशू है। अच्छा उनको नहीं दे रहे। हाँ मतलब इन्होंने एक तरीके से इस्लाम धर्म को एक दूसरा दर्जा दे दिया, मतलब एक सेपरेट ही कर दिया। हाँ एक प्रकार से एक फीलिंग, हाँ दैट यू आर नॉट फ्रॉम, मतलब आप हिंदुस्तान के कोई नहीं, तो फीलिंग तो वही जनरेट होगी ना, जनरेट होगी। और सिस्टम में देखा जाए तो ऐसा कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि सर आजादी अगर इंडिपेंडेंस की बात करें तो इसमें तो सबका साथ है। जैसे बहुत ऊंचे लेवल पे गेम खेली जाती है, ऊपर से बैठ के बहुत ऊंचे लेवल पे गेम खेली जाती है। लोग ऐसा हम लोग तो सर्विस मैन आदमी है, महीने के एंड में तनख्वाह जानी है, अपना घूम घाम करके खत्म, फिर अगले महीने फिर तनख्वाह, उसके ऊपर काम चलता है। ये तो पूरा सिस्टम चलाते हैं। तो ऐसा करने का कुछ रीजन होगा कि ऐसे ही? सर रीजन ही है, अभी ये इनका स्टेप है पहले हिंदू राष्ट्र की ओर, बस हिंदू राष्ट्र बना के। हाँ डेमोक्रेसी फिर खत्म हो जाएगी ना यहाँ से, अगर आप एक किसी धर्म पे किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस पे आप डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर डेमोक्रेसी किस काम की? कोई डेमोक्रेसी जैसे यूएस वगैरह में है ईसाई ज्यादा। हाँ जैसे आपका कभी हिटलर के टाइम पे सारी चीजें होती थी वही चीज वही हिंदू नेता ही चुना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और हिंदू नेता चुना गया तो बीजेपी है, बीजेपी फिर उसका भी अपना आगे 50 साल फिक्स कर रही हो। ये फिक्स ही हो गया तो 2024 तक तो फिक्स ही है। अब ये ऐसे ऐसे कार्ड खेल करके 2024-2029 ये इनका मेन टारगेट ये है। जो जैसे हम लोग 90s वाली जनरेशन है, हम लोग फिर भी कांग्रेस को जानते हैं, मतलब एक हमें पता है कि कांग्रेस बीजेपी से लाख गुना बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा रूल किया है हिंदुस्तान के अंदर। अब ये 2000 वाली जो जनरेशन है, 1999-2000 चल गया इंटरनेट, अब क्या करना है इसका? इंटरनेट पे जाना और यहीं पे इंटरनेट चला लो, जैसे आप फायरफॉक्स से चलाई लोगे। ये चीज आपने बहुत परफेक्ट बोली है, इनका यही प्लान है फ्यूचर पूरा। जब बच्चा बच्चा बीजेपी को जानेगा तो कौन कांग्रेस को? सही बात है सर। और आप ये नहीं, ये नहीं बोलना चाहिए कि आज के टाइम में हम जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ना, टोटल सब सर कांग्रेस की देन है, ए टू जेड। इन्होंने एजुकेशन के मामले में 6 साल हो गए क्या काम किया? कुछ भी काम नहीं किया। और ये है भी हिंदुत्व,
अब सर यही वाली बात हो गई ना, अब जैसे डेवॉप्स आ गया, डेवॉप्स में सारी चीजें कवर हो गई, अब लिनक्स का कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है, हालांकि लिनक्स बेस है, बेस है, अभी भी चल ही रहा है सर। बड़ी कंपनी सारी, मतलब आप देखो ना, आईबीएम ने रेड हैट एक्वायर कर लिया, सारी की सारी, मतलब जो एक प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी है वो समझ रही है। हाँ, वो वहां पे आज भी उसी पे काम हो रहा है ना, पर अब नई जनरेशन आ रही है, फास्ट चीज चाहिए, मतलब पैसा फेंको तमाशा देखो, बिल्कुल वो वही वाला सीन हो। आप देखो ये लिंक पे आ जाइएगा, ये मैं आपको ना अभी दे दूंगा, ठीक है? आप यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे आने के बाद कह रहे हैं अनइंस्टॉल द ओल्डर वर्जन, अगर आपके पास कोई ओल्डर वर्जन है तो भाई अनइंस्टॉल कर दो, ये बता रहा है, ठीक है? तो चलाओ तो ठीक है, आप पहली बार इंस्टॉल किया तो होगा भी नहीं, है ना, कोई नहीं, चला के देख लेते हैं भाई, कुछ पड़ा हो शायद तो हट जाए, तो कुछ कह रहा है मैच ही नहीं किया भाई, है ही नहीं, ठीक है, है ना। अब है नहीं है तो थोड़ा नीचे आ जाओ, इंस्टॉल द डॉकर इंजन, कह रहा है ये रही रेपोजिटरी, यम कॉन्फिग मैनेजर से रेपोजिटरी बना रहा है और ईपीएल यूआरएल को यूज कर रहा है, इंटरनेट से रेपोजिटरी उठा रहा है, ये सब तो क्लियर ही होगा। ये लो कर दिया मैंने, अब थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो कह रहे हैं यम कॉन्फिग मैनेजर अपनी रेपोजिटरी को इनेबल कर लो, कह रहे हैं तो ठीक है भाई इनेबल कर लेते हैं, यम कॉन्फिग मैनेजर से हम इसको इनेबल कर लेते हैं, ये हमारी रेपोजिटरी इनेबल होगी। अभी थोड़ा बताता है भाई डॉकर टेस्ट कर लो एक बार, इनेबल है कि नहीं, तो टेस्ट करवा रहा है, टेस्ट भी कर लेते हैं हम, तो ये हमने इसको टेस्टिंग भी कर ली। आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो कह रहे हैं कि भाई यम कॉन्फिग मैनेजर से डिसेबल, अगर डिसेबल करना है तो डिसेबल कर लेना, है ना, डिसेबल नहीं करना। अब कह रहे हैं यम इंस्टॉल डॉकर ई एंड डॉकर ई सीएलआई एंड डॉकर डी डॉट आईओ, सारे हो जाएंगे, कॉपी किया हमने, अब ये डॉकर इंस्टॉल हो रहा है, ठीक। तो ये बताने का मतलब मेरा ये था कि कल को आप कंपनी में चले जाओ तो आपको कंपनी वाला बोले भाई यस ये सर्वर कर दे, तो ये नहीं कर लेना यम इंस्टॉल डॉकर, भाई वो तो डेवॉप्स में हो रहा था, और क्यों हो रहा था, रेपोजिटरी लोग बना के देते हैं, ये तो हमारी बेयर बेटर वैसे नहीं पड़ेगा, यहाँ ऐसा करना पड़ेगा, है ना। तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में भी बिल्कुल सेम, बिल्कुल सर, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में भी आपको ऐसा सर्वर दे दिया जाएगा। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि इंटरनेट नहीं चल रहा, तो चल भाई जो इंटरनेट नहीं चल रहा तो तेरी कंपनी ने रेड हैट दिया, तो रेड हैट से सब्सक्रिप्शन लिया होगा ना, तो रेड हैट अपनी रेपोजिटरी देगा, तो बस तुम यम इंस्टॉल कर दियो, उनकी रेपोजिटरी तो डालेगा, है ना, करना यही पड़ेगा। अब कह रहे 665 MB का ये लेटेस्ट अपडेट है, तो सर वो वहां पर है ऋषि, ऋषि नोएडा में है किसी कंपनी में, अच्छा सही बात होती रहती है, अच्छा सही बैंक आ रहा है, वो छोटी कंपनी में है, लेकिन वो जिस कंपनी में है उसमें सब कुछ काम कराया जाता है, कहता है एडवर्स में भी काम कराया जाता है, जॉब एजोर में भी काम कराया जाता है, डेवॉप्स के ऊपर भी काम कराया जाता है, मतलब प्रोफाइल तो नहीं है उसका इन चीज का, लेकिन अच्छा। काम करवाया जाता है, तो मैंने बोला बढ़िया सीख ले और क्या चीज, सही बात है भाई, आजकल तो डेवॉप्स के प्रोफाइल में हायर करके भी डेवॉप्स में काम करवाते हैं, कुछ कई कंपनी ऐसे गुमराह करती है लोगों को, तो तुझे तो भाई काम करने मिल रहा है। अभी मैं गया था डीएससी में इंटरव्यू देने, तो वो नहीं था गगन, वो आया था वहाँ पे इंटरव्यू देने, अच्छा वहाँ बोली बोले जा रहा है, सर जब आप प्रोफेशनली में जाते हो तो वहाँ पे सब्जेक्ट के सामने कुछ भी नहीं बोल सकते ना, कि आप वो बोले बोले जा रहा है, मैं आज क्या बोल रहा था, यहाँ कैसे, हाँ यहाँ कैसे, मैंने कहा और भाई तुम चल दिया जाओ, कहता भाई मैं ओयो में हूँ, डेवॉप्स प्रोफाइल भरो, मैंने कहा अच्छी बात है भाई, वो बहुत बोलता है, उसके साथ आप बैठ जाओ ना, और वो देखेगा भी नहीं सामने कौन बैठा है, वो लगता है इंटरव्यू में बैठा तब भी बोलता रहेगा, बढ़िया यार तू डेवॉप्स प्रोफाइल पर कर उसकी जॉब, वो आपने बोलने की वजह से ही ले लिया होगा जॉब, नहीं सर डेवॉप्स का तो कोई बंदा वो कर रहा है काम कर रहा है तो वहाँ पे लिनक्स में इंटरव्यू देने क्यों आएगा यार। हाँ ये भी बात सही, मार्केट में सर एक से एक वो बैठा हुआ है कि सामने वाले को कैसे गुमराह करके चीजें निकाली जाए, आराम से आराम से मार्केट चली इसी से रही है, बाकी सर अच्छी अच्छी तो अगर सेटिंग है तो आपका इजीली हो जाएगा, अगर सेटिंग नहीं है तो हो गया इंस्टॉल। देखो अब मैंने यहाँ पे सिस्टम डिटेल स्टार्ट किया और मैंने यहाँ पर किया डॉकर को स्टार्ट, हमारे साथ रिकॉर्ड नहीं, ये वाला रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, बट ऑन कर दो क्या,
कोई नहीं, इसको स्टेप देख लो रिकॉर्ड इसमें होगा इनेबल, मैंने डॉक्टर किया ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई दे दूंगा, बस हो गया। अब यहाँ पर आप डॉक्टर इनसे करो तो आ गया राइट। चलो ये ले रहा हूँ, तो इस पर भी इंस्टॉलेशन हमने बता दिया, अभी हिस्ट्री कर दूंगा, तो लिखना तो लिख लो इसका ज्यादा अच्छा रहेगा, ये हिस्ट्री है ना, दो चार के मांगी थी ये वाली मत लिखना, ये बहुत बड़ी है, यहाँ से लिख लो। तो अगर आप इंटरनेट चला रहे हो ना तो ये कमांड ऐसे भी जाके चला दोगे, लिंक नहीं देखोगे तब भी काम हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ वीडियो तो है। हाँ तो ये लिंक लिंक रखना अपने पास, बस अब देखो आगे चलते हैं, ना रिकॉर्ड इसमें होता है उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन फिर इसमें बंद करना पड़ेगा। तो अब अगर हमने यहाँ पर डॉक्टर इन्फो किया तो इन्फॉर्मेशन बता देता है भाई, साफ साफ बता रहा है कि भाई डॉक्टर कंटेनर जीरो है, रनिंग जीरो है, पॉज भी जीरो है, स्टॉप भी जीरो है, इमेज है, सब बता रहा है यहाँ पर। ऐसे आप इस तरीके से भी दे सकते हो, डॉकर हाइफन हाइफन वर्जन, डॉकर हाइफन हाइफन वर्जन किया तो कह रहा है डॉकर का वर्जन ये पड़ा हुआ 18 पड़ा हुआ है आपके पास, है ना। अब डॉकर में कौन कौन से कमांड्स होते हो कैसे पता लगेगा, डॉकर हाइफन हाइफन हेल्प कर लो, हाइफन हाइफन हेल्प, तो इन्होंने डॉकर का जो पुराना वर्जन है ना वहां पर ना पूरा का पूरा डॉकर में कमांड एक्सक्लूड होता था, लेकिन अब इन्होंने डॉकर की कमांड हटाकर मॉड्यूल्स में कन्वर्ट किया। ये कहते हैं कि ये तो ऑप्शंस हो गया और ये हो गया डॉकर का मॉड्यूल्स, ये पेरेंट मॉड्यूल्स हो गया, जैसे बिल्डर कॉन्फिग कंटेनर इंजन, कंटेनर के रिस्पेक्टिव कुछ करना है तो कंटेनर चलाइए, इमेज नेटवर्क पॉड प्लगइन्स, ये सारी चीजें होगी। जो इंजन वाला ऑप्शन है ये तो क्लस्टर के लिए यूज होता है, कौन सा इंजन वाला? हाँ ये सारी चीजें आपका डॉक नहीं, ये बेसिकली क्लस्टर के लिए नहीं है, डॉकर इंजन जो इंस्टॉल है उसको मैनेज करने के क्लस्टर के लिए ये सॉम, ये सॉम है, वॉल्यूम के लिए ये है, ऐसे कह रहे चाइल्ड मॉडल्स ये हैं, कह रहे कंटेनर को अटैच करना, बिल्ड करना, कमिट करना, सीपी क्रिएटिव इवेंट्स, ये सारी चीजें। तो कमांड कैसे चलाते हैं, देखो पहले कमांड आएगा डॉकर ठीक है, फिर आएगा पेरेंट मॉड्यूल, जैसे पेरेंट मॉड्यूल मान लो कंटेनर मान लिया मैंने, अब पेरेंट मॉड्यूल के आगे जो है चाइल्ड मॉड्यूल, वो नहीं पता आपको तो टेंशन नहीं लेनी है, हाइफन हाइफन हेल्प करो। देखो अब सिर्फ चाइल्ड मॉड्यूल के बारे में बताया, तो अगर आपने डॉकर कंटेनर एलएस किया तो लिस्ट ऑफ द कंटेनर है ना, अगर आपने डॉकर कंटेनर यहाँ पर रन किया तो रन ए कमांड ए न्यू कंटेनर रन कर देगा, डॉकर कंटेनर को स्टार्ट किया तो कंटेनर स्टार्ट हो जाएगा, स्टॉप किया तो स्टॉप हो जाएगा, सब लिखा हुआ बहुत इजी है, जैसे लिनक्स है ऐसे ही है। तो मैंने कमांड मारा भाई डॉकर कंटेनर एलएस कर, तो भाई कह रहा है कि अभी तेरे पास कोई भी कंटेनर नहीं है, कह रहा है अगर कंटेनर होती तो यहाँ होती कंटेनर आईडी, यहाँ होती कंटेनर की इमेज, यहाँ होती कमांड, कंटेनर के अंदर कौन सी कमांड चल रही है वो कमांड दिखाई देता, यहाँ बताता क्रिएट कब हुआ है कंटेनर, यहाँ बताता कंटेनर का स्टेटस क्या है, यहाँ बताता कंटेनर का पोर्ट क्या है, यहाँ बताता कंटेनर का नाम क्या है राइट। और अगर मैं यहाँ पर डॉकर वॉल्यूम एलएस करूंगा तो कोई वॉल्यूम है क्या, डॉकर वॉल्यूम एनएफएस वॉल्यूम जैसा कुछ आपने बाइंड माउंट कर रखा है वो दिखाता, डॉकर का सेपरेट नेटवर्क है क्या, तो एलएस से लिस्ट हो रही है, कह रहे हाँ भाई तूने डॉकर पैकेज डाला है ना तो बाय डिफॉल्ट इसने तीन नेटवर्क बनाए, एक तो ब्रिज बनाया, एक होस्ट और एक नन, क्या होता है डॉकर नेटवर्किंग में सीख लेंगे ठीक है। अब हम चाहते हैं कि भाई एक कंटेनर बना के दिखा दे मुझे, चल तो कंटेनर बनेगा कैसे, तो बड़ा सिंपल कमांड है डॉकर कंटेनर रन, ये कमांड है डॉकर कंटेनर रन, इससे बनेगा कंटेनर, लेकिन तू कंटेनर बनाएगा तू ब्लैंक कंटेनर बना के छोड़ देगा, उस पर इमेज भी तो डिप्लॉय करना है ना, तो इमेज है क्या तेरे पास, इमेज है तेरे पास, तो देख यहाँ पर कैसे देखेगा डॉकर इमेज एलएस कर, कह रहा इमेज नहीं है, कोई इमेज ही नहीं है, समझ आ रही है मेरे पास यहाँ पर। तो अब क्या करेगा, तो तू अगर यहाँ पर कमांड मारेगा ना डॉकर कंटेनर रन, तो अगर इस पर इंटरनेट चल रहा है तो डॉकर हब से अपने आप इमेज उठा के ला के डिप्लॉय, लेकिन कई कंपनी में इंटरनेट नहीं चल रहा तो अब क्या करेंगे, तो कंपनी उसकी इमेज वहां से डाउनलोड करके अपने प्राइवेट सर्वर पे रख लेती है और इसका इसको उसका प्राइवेट का पाथ बता दिया जाता है, और जब कंटेनर खड़ा किया जाता है तो वो प्राइवेट से उठाता है ना कि डॉकर से। सिक्योरिटी ये कैसे करते हैं ये डिस्कस करेंगे।
टॉपिक आएगा तो ठीक है समझ आ गई। तो अगर मैंने यहां पर सीधे कमांड मारा डॉकर कंटेनर रन राइट, उसके बाद आप हाइफन हाइफन नेम कंटेनर का नाम क्या रखना चाहते हो, मैंने बोला यस कंटेनर, ये कंटेनर का नाम है। अब इस कंटेनर में कौन सी इमेज डिप्लॉय करना चाहते हो, तो मैंने बोला एक काम करो उबंतु, अगर उबंतु लिखा तो उबंतु की लेटेस्ट वाली इमेज डिप्लॉय करके दे देगा। अच्छा डॉकर कंटेनर, हमने कंटेनर क्रिएट करना है, रन का क्या मतलब है, रन भी कर देगा, क्रिएट करके उसको चालू भी कर देगा, उसका नाम यश होगा, यस हाइफन कंटेनर रखेगा, यश हाइफन कंटेनर। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, वेब सर्वर, अब ठीक है ये नाम है, ठीक है है ना। अच्छा और ये कंटेनर का नाम हो गया, ये कंटेनर का नाम हो गया, कंटेनर के अंदर ये उबंतु इमेज होगी। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि उबंतु का कौन सा वर्जन लेगा, भाई 19 है 16 है 18 क्या रहेगा, तो लेटेस्ट लेगा। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो ना 14.04 तो भी 14 वाला रहेगा। अभी कैसा पता रहेगा सर वर्जन ये, भाई आप जब पूरा पढ़ लेते हो तो आपको डॉकर हब भी बताया जाता है, डॉकर हब में आके यहाँ पे देख लिया जाता है कि भाई ये देखिए वर्जन है ये पूरे, वो सीखेंगे बाद में, समझ आ गई। तो ये मैंने एंटर करूं तो 14.4 मैंने एंटर किया तो ये देखिए पहले डाउनलोडिंग कर रहा है, क्या लिख रहा है, अनेबल टू फाइंड इमेज लोकली, लोकली नहीं मिला उसको, लोकल है ही नहीं, तो कह रहा है पुलिंग फ्रॉम द बाइनरी लोकेशन से पुल कर रहा है, पुल किया उसने, पुल कंप्लीट, पुल कंप्लीट, पुल कंप्लीट, फिर कह रहा है कि ये देखिए डाउनलोड आ चुका है और इसने कंटेनर भी बना दिया और एक कंटेनर की आईडी भी इसने दे दी। अब अगर हम डॉकर कंटेनर एलएस करें लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा पता है, क्योंकि इसने कंटेनर बनाया, कंटेनर को रन किया, कंटेनर के अंदर उबंटू 14.05 इमेज डिप्लॉय भी किया और उसके बाद कंटेनर को बंद भी कर दिया। क्यों बंद कर दिया, क्योंकि कंटेनर के अंदर कोई कमांड तो आपने स्पेसिफिक दिया ही नहीं कि इसको चला के रखी, जब कुछ था ही नहीं तो उसने इसको बंद कर दिया। तो बंद वाला कंटेनर कहाँ नजर आएगा, बंद वाला कंटेनर नजर आता है एलएस हाइफन ए के आउटपुट। अच्छा समझ आ रही है, कह रहा है ये नजर आ रहा है, कह रहा है कंटेनर की आईडी ये है, उसके अंदर उबंटू 14.04 इमेज डिप्लॉय हुई है, उसके अंदर बिन बैश कमांड रन किया उसने बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उस इमेज के अंदर उसके अलावा कुछ लिखा ही भी नहीं, फिर कह रहा है 50 सेकंड पहले क्रिएट हुआ था और 50 सेकंड पहले बंद भी हो गया, क्योंकि कुछ कंटिन्यू रखा, क्रिएट किया और बंद कर दिया, समझ आ गई। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई अगर मैंने ऐसे कर दिया अब इसका मतलब क्या है, क्यों, क्योंकि कंटेनर बनाएगा, कंटेनर के अंदर स्लिप सिस्टी चलाएगा, तो जब तक स्लिप सिस्टी कंप्लीट नहीं होगी तब तक कंटेनर बंद नहीं होगा, यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मनु एक काम करें, चाय ले आना, क्या रहा है, कोई नहीं वो हम लोग देख लेंगे ना, उस बैग में से ना पैसे ले ले और चाय ले आना, यही पास है ना, तीन चाय ले लेना और एक दो बिस्किट ले लो, नहीं नहीं बैग में से पैसे ले ले, कोई नहीं वो कर देंगे हम, इधर देखो सर, समझ आ रही है मेरी बात। तो मैंने एक दूसरा टैब ओपन किया, इसमें भी थोड़ा सा एक्सेस कर लेता हूँ, यहाँ तो कोई समस्या तो नहीं है, नहीं, नहीं। एक एक पॉइंट को बारीकी से हाँ, पढ़ना है और लैब करना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर डॉकर कंटेनर एलएस को ना वॉच में लगा देता हूँ, वॉच कमांड क्लियर है, वॉच कमांड पता है ना, वॉच में लगा दो तो भाई वो वॉच दिखाता रहता है, क्लोज नहीं होगा, है ना। अब मैं एंटर मारता हूँ, देखो तो जब मैं एंटर मारूंगा ना तो क्या हुआ, इसने कह रहा है भाई वो नाम पहले से बना रखा है आपने, कह रहा है ऑलरेडी यूज है, चल भाई दूसरा नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, दूसरा नाम दे देते हैं, ये ले। तो एक कंटेनर बनाया और यहां देखिए इस टैब में कह रहा आ गया, कह रहा 3 सेकंड हो गया, 5 सेकंड हो गया, 60 सेकंड के बाद बंद होगा ये, क्योंकि स्लिप कमांड को क्लोज करेगा। लेकिन एक चीज देखो, इसने टर्मिनल को बिजी कर लिया, टर्मिनल को बिजी कर लिया ना, टर्मिनल नहीं छोड़ रहा, कब तक नहीं छोड़ेगा, तब तक कंटेनर बंद नहीं होगा, है ना, वो भी देखेंगे कि भाई टर्मिनल छोड़ दे,
कंटेनर चालू रख लेकिन टर्मिनल छोड़ दे, वो भी बस मेरी चाय क्यों मैंने बोल दी कोई नहीं पी लो, कोई दिक्कत नहीं, एक आध दिन में कुछ नहीं। चलो तो 31 सेकंड हो गए राइट, और 60 सेकंड के बाद अपने आप ही बंद हो जाएगा। सर और पता क्या, अगर कॉर्पोरेट में आप अगर जा रहे हो ना काम करने, मतलब इवन आपकी प्रोफाइल लाइनक्स और AWS की दोनों की है, तो सर अगर आप AWS वाली प्रोफाइल पर जा रहे हो ना तो फिर लाइनक्स का काम तो रह नहीं जाता, नहीं नहीं जाया जाता, आधा से ज्यादा काम हो जाता उसमें ही हो जाता। सर सारी फिजिकल चीजें तो आपकी ऑटोमेटेड हो गई हैं, भाई आपको डिस्क लगानी, कोई डिस्क नहीं लगानी, वहीं से उठानी है, और कोई OS का स्नैपशॉट नहीं लेना, कोई OS खराब हो गया तो ट्रबल शूट नहीं करना, EMI पड़ी हुई है, सब चीज तो जरूरत खत्म हो गई, हो गया बंद। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ, चल ठीक है भाई तू कंटेनर बना रहा ठीक है, तू स्लिप कमांड को बंद करके ही कंटेनर बंद करता, लेकिन यार तू टर्मिनल छोड़ दे, क्योंकि कल को क्या होता है कि कंपनी के अंदर ना एक टर्मिनल, एक यूजर को ना एक ही टर्मिनल का एक्सेस दिया जाता है, पॉलिसी होती है भाई 10 टर्मिनल तू नहीं खोलेगा, एक खोल लिया है तो एक ही में काम करेगा, लेकिन उस टाइम में फिर तो बंदा परेशान हो जाएगा। तो बंदा अगर चाहता है कि टर्मिनल छोड़ दे तो आप क्या करिए पता है, यहाँ पर ना -D ऑप्शन लगाइए, डी का मतलब होता है डिटैच द टर्मिनल, कंटेनर रन होगा बैकग्राउंड में चला जाएगा, देखो टर्मिनल इसने छोड़ दिया लेकिन वही नाम फिर वही ले लिया। इस बार नाम हम दे देते हैं, ये लो कंटेनर बना, टर्मिनल छोड़ दिया, और देखिए क्लोज तो होना है इसको भी लेकिन टर्मिनल छोड़ दिया। बाकी सर आपकी जो जो AWS की जितनी भी आपने जैसे किसी चीज लेट से आप ये मैं एक दिन ये पढ़ रहा था क्या नाम था आपका ब्लॉक स्टोरेज के बारे में, आपके GP2 IO1 इसके टाइप ST1 SC1 ये मतलब बढ़िया, मतलब आपने लाइक जैसे एक कंसल्टेंट होता है ना वैसे आपने चीजें बता रखी है, कंसल्टेंट ही होना चाहिए हर आदमी को। हाँ मतलब आपने चीजें वैसे ही बता रखी है बिल्कुल, ताकि मतलब सामने वाले कस्टमर को जैसे उसे तो कस्टमर ब्लैंक है उसे समझाना है कि समझाना है। देखो क्या होता है कि हमें अपनी जॉब ईमानदारी से आदमी करता है ना तो कोई भी प्रोफेशन में रहो ना आप सक्सेस हो। हाँ बिल्कुल सही बात, मैं कहता हूँ मेरे बुजुर्ग बोलते थे कि तू मोची बन, लेकिन ऐसा मोची बन कि तेरे से अच्छा जूता कोई नहीं। तो देखो आपका प्रोफेशन है कि मान लो किसी को ये चीज बताना तो आप उसको अच्छे से बताओ, दिल से बताओ, बिल्कुल सही बात, स्किप मत करो कोई चीज़ को। होता क्या कि हम अपने प्रोफेशन के साथ बेईमानी करते ना तो हम मार खा जाते। हो गया यहाँ पर देखो, हो गया क्लोज, चलो लेकिन वो क्लोज हो जाता है, मैं चाहता हूं कि ये कंटेनर बने और क्लोज ना, है ना, चल्लू रखना चाहता हूं तो क्या कर, तो सिंपल है, दो तीन तरीका है, एक काम करना तो उस पे बिन बैश की कमांड एक्सिक्यूट करा देना। तो बिन बैश की कमांड एक्सिक्यूट का मतलब क्या है कि अगर तू बिन बैश की कमांड एक्सिक्यूट कराएगा तो कंटेनर बनेगा और तुझे सेल भी दे देगा, और जब तक सेल बंद नहीं होगा कंटेनर भी बंद नहीं होगा। समझ में आ रही है? तो हम यहां पर क्या कर देते हैं, डेब सर्वर बंद कर देते हैं, तो अब देखना कंटेनर बनेगा और कंटेनर का सेल आपको मिलेगा। सॉरी अब सेल क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैंने डी कर दिया, डिटैच, तो मैं डी हटा देता हूं। राइट, लेकिन इसने अभी भी आपको सेल प्रोवाइड नहीं किया, इसने क्या किया उसके अंदर बिन बैश कमांड चलाया और बंद करवा दिया। एक्चुअल में सेल चाहिए आपको, तो आपको एक ऑप्शन यहां पर ऐड करके चलना पड़ेगा, उस ऑप्शन का नाम होता है -IT। IT का मतलब हो गया इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव, T
टीटीवाई मतलब क्या होता है, टीवी टर्मिनल 1 2 3, तो अब ये क्या करेगा, इंटरेक्टिव सेल प्रोवाइड करेगा, समझ में आ गई। तो अगर आप बिन बैस नहीं लिखोगे तब भी आपको सेल प्रोवाइड करते हैं। तो एंटर किया तो अब वो किसका एरर दे रहा है, नाम का। तो ये नाम का एरर आपको बार बार आएगा ना, तो आपको बेस्ट प्रैक्टिस बताता हूँ कि आप हाइफन हाइफन नेम लगाइए मत, वो बाय डिफॉल्ट एक नाम देगा, क्योंकि घर पे प्रैक्टिस करेंगे बार बार आएगा, प्रोडक्शन में होगा तो नाम लगाएंगे। एंटर किया, टर्मिनल कंटेनर बना, कंटेनर के अंदर आ और देखिए कंटेनर ये बना, अभी बंद नहीं होने वाला, ठीक है समझ आ रही। तो अब आप इसके अंदर आके एलएस करिए, तो देखिए जस्ट काइंड ऑफ एक ओएस का, इसके अंदर हम माउंट पॉइंट वगैरह वॉल्यूम वगैरह सब DF5 में सब माउंट कर सकते। देखिए आपको लग रहा काइंड ऑफ एक ओएस है, लेकिन ये डिफरेंट ओएस है, इट्स अ थिन वर्जन, थिन वर्जन, हां थिन है। आप ये भी देखना चाहते हैं कि भाई कंट्रोल सी करता, इसको ऐसे रहने देता, एक और टैब हो, मैं देखना चाहता हूँ इस कंटेनर के अंदर क्या क्या चल रहा है, निकलना है क्या कहीं? नहीं नहीं दादा कहीं नहीं जाना। देखो एक कंटेनर चला ना, आपने यहाँ पर कमांड मारा डॉकर कंटेनर हिस्ट्री और कंटेनर की आईडी, ये आईडी है ना, शुरू के वर्ड लिख दो, उतने में काम हो जाता है, पूरे वर्ड आईडी लिखने की जरूरत नहीं, सॉरी डॉकर कंटेनर हिस्ट्री नहीं करना हमें, डॉकर कंटेनर स्टेट्स, ठीक है, हमने यहाँ पर स्टेट्स किया और कंटेनर की आईडी 63। तो अब देखना क्या होता है, कह रहा है ये कंटेनर चलने के लिए 1.168 MB रैम यूज कर रहा है, ठीक है, 1 MB रैम, 2 MB रैम यूज कर रहा है। अगर मैं इस पे कुछ प्रोसेस बढ़ाऊंगा तो रैम लेता जाए, कह रहा है आपके होस्ट में टोटल 1 GB रैम है, देखो समझ में आ रही मेरी बात यहाँ पर। अब इसी तरीके से अब देखना, थोड़ा सा लाइव आपको फील कराता हूँ, ये मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी देखते जाना, मैं प्रोसेस जैसे जैसे बढ़ाऊंगा वहां पर यूटिलाइजेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर apt-get अपडेट किया, तो जैसे apt-get अपडेट किया, अब देखो रैम यहाँ भी यूज, देखो प्रोसेस बढ़ा, रैम उठा लिया, एक्यूपाई करके नहीं रखा और छोड़ भी दिया, हाँ जैसे कंप्लीट VM क्या करता भाई, दे दिया तो दे दिया, हाँ फिर हम उसे ना डिक्रीज कर सकते हैं, हाँ निकाल देना इधर देखो। और अगर हमने apt-get इंस्टॉल अपाचे 2 किया, देखो देखो 36 MB ले लिया, तो जब तक प्रोसेस चल रहा है तब तक ले रहे, ठीक है, 37 MB 63 MB ले लिया, 42 ले लिया, 1 GB तो नहीं लिया आपने, तो साला 1 GB आप फिक्स करके रख देते थे, 4 GB फिक्स करके, देखो फिर कम हो गया, डाउन हो गया, यूटिलाइजेशन नहीं तो नहीं ले रहा। ये ब्यूटी है, ये इससे आदमी फील कर लेता है, अच्छा डॉकर कुबंडी से फायदा क्या है। अब इसके बाद मैंने बोला चल भाई एक अपाचे कॉन्फ़िगर करके देखते हैं, वेयर डब डब एचटीएमएल के अंदर गए और हमने यहाँ पे लिखा वेलकम टू माई फर्स्ट कंटेनर index.html, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर किया सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट, क्यों कर रहा हूँ भाई सर्विस क्यों चला रहा, क्योंकि उबंटु है, तो चल गए देखो, अब 10 MB रैम यूज कर रहा है ना। अब इस कंटेनर की आईपी क्या है, इफ कॉन्फिग करो तो इस कंटेनर की आईपी देखो, सेपरेट आईपी मिली है 172। तो अगर मैं 172 को यहां से एक्सेस करूं, कर्ल करूं, देखो कर्ल करूं 172.17.0.2, वेलकम टू माय फर्स्ट कंटेनर। आपने अभी तक अपनी लाइफ में वीएम के ऊपर होस्टिंग देखा होगा, AWS के ऊपर होस्टिंग देखा होगा, मैं कंटेनर पर होस्टिंग करके चला रहा हूं, इसको मैं बाहर से भी एक्सेस कर सकता हूं, अपने फोन से, अपने लैपटॉप से, किसी को बोल दूं मैं, वो कैसे करेंगे, डायग्राम में चलते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं सर? देखो आपने ये AWS पे एक इंस्टेंस बनाया, ठीक है,
अब आपने क्या किया, जब आप इस पे डॉकर का पैकेज डालते हो ना, तो यहाँ पे ना एक ब्रिज नेटवर्क बन जाता है। उस ब्रिज नेटवर्क का नाम होता है Docker-0, और उस ब्रिज नेटवर्क का जो नेटवर्क होता है, पूल होता है, वो 172.17.0.0/24 होता है। ये बाय डिफॉल्ट होता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। देखना चाहते हो क्या मैं सच बोल रहा हूँ? तो डॉकर होस्ट यही है ना, यहाँ आके मारो इस कॉन्फिग को, इफ कॉन्फिग, ये देखो Docker-0, देख रहा हो, इसने ब्रिज नेटवर्क बनाया, और ब्रिज नेटवर्क बनाकर इसने क्या किया, ब्रिज नेटवर्क बनाया और ब्रिज नेटवर्क बनाकर इसको फर्स्ट आईपी दे दिया, कह रहा है ये ब्रिज है, राइट? और उसके साथ साथ इस होस्ट में एक मेन इंटरफेस कार्ड भी होगा, वो मेन इंटरफेस कार्ड क्या है, ETH0। वो मेन इंटरफेस कार्ड क्या है यहां पर, ETH0 है, ETH0। तो जरा मेन इंटरफेस कार्ड को नजर मारे, तो मेन इंटरफेस कार्ड ये रहा ETH0, राइट? ये मेन इंटरफेस कार्ड ETH0, इसको इसकी आईपी ये रही, इसको कॉपी करो यहां से, और इसको यहां से कॉपी करने के बाद हमने क्या किया, ये रही मेन इंटरफेस कार्ड की आईपी, क्लियर? समझ में आ गई, ये इतना सेटअप समझ में आ गया। अब देखो, आप जब भी कोई कंटेनर बनाते हो, तो आपने यहां पर एक कंटेनर बनाया, तो ये कंटेनर को क्या आईपी मिलती है, ये कंटेनर कनेक्ट होता, ये कंटेनर मेन इंटरफेस से कनेक्ट नहीं होगा, ये कंटेनर इससे कनेक्ट होगा, इस ब्रिज से, ये इसका इंटरनल स्विच है, वर्चुअल स्विच है। तो जब ये कंटेनर इससे कनेक्ट होगा, तो इस कंटेनर को एक आईपी मिल गई 172.17.0.2, वन तो इसको मिली हुई है। अगर तूने दूसरा कंटेनर बनाया, तो दूसरे कंटेनर को दूसरी आईपी उस पूल में से मिल जाएगी, 172.17.0.3। अच्छा सर, जैसे कि ऐसी फर्दर मिलता जाएगा, और अगर तेरा ये वाला पूल फुल हो गया, तो तू दूसरा भी बना सकता है। बोलो क्या बोल? नहीं सर, जैसे मैं ये कह रहा था कि अभी जैसे हमारा कंटेनर फुल हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा हम कंटेनर फुल हो गया, इसके अंदर का डेटा फुल हो गया। हाँ, मतलब लेट्स से हमारे इस वाले कंटेनर का माउंट पॉइंट था, इसकी आईपी है, तो जब हम क्लस्टर कॉन्फिगर करते हैं, तो एक्टिव मतलब एक्टिव पैसिव मतलब वही वाला कांसेप्ट क्या है, तो जैसे इसकी आई इस कंटेनर की आईपी इस कंटेनर की आईपी डिफरेंट होगी ना, तो क्या फर्क पड़ता है? बाहर से कोई कस्टमर डायरेक्ट कंटेनर को नहीं हिट कर रहा, बाहर से कस्टमर लोड बैलेंसर को हिट कर रहा है, कस्टमर तो उसी आईपी को हिट कर रहा है, वो लोड बैलेंसिंग के अंदर ऑटोमेटिक बाइंड हो जाती है नई आईपी। क्लियर हो गया? चाय पी लो पहले, ठंडी हो जाएगी, वीडियो कर देता हूँ बॉक्स। हमने ये कर लिया था, तो अब जितने भी फर्दर कंटेनर बनाओगे, वो सारा कंटेनर कौन से नेटवर्क से कनेक्ट होगा, वो सारा कंटेनर होता है इस ब्रिज नेटवर्क से। और आपका ये फिजिकल मशीन, ये आपका फिजिकल मशीन आपकी कंपनी के फिजिकल स्विच से कनेक्ट होता है, ये आपकी कंपनी का फिजिकल स्विच है, रिंग्स बॉन्डिंग हो गई है, तो बिल्कुल सर, ये आपकी कंपनी का मान लो L3 स्विच है, कुछ भी हो सकता है, राइट? ये आपकी कंपनी का L3 स्विच हो गया है ना, एक सिस्टम किसी एक से कनेक्टेड होगा। और मैं कहता हूं मेरी कंपनी के अगर यूजर्स बैठे हुए हैं, ये मेरी कंपनी का इंटरनल यूजर्स बैठा हुआ है, और अगर उस कंटेनर पे चलने वाली एप्लीकेशन तक जाना चाहता है, अभी तो मैंने अंदर से बैठ के खोला, खुल गया, अगर ये जाना चाहता है, तो क्या ये इस कंटेनर की आईपी को एक्सेस कर सकता है? ये आईपी तो कंटेनर के बाहर, ये आईपी ये मशीन के बाहर की तो है ही नहीं, ये तो अंदर की है ना, तो मैं तो जा ही नहीं सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इस आईपी को हिट करना पड़ेगा, ये आईपी को जब मैं हिट करूंगा, तो ये आईपी मुझे इस कंटेनर तक लेके जाएगी। लेकिन सवाल आता है कि ये आईपी, अब ऊपर चार कंटेनर चल रहे हैं, तो ये आईपी कौन से कंटेनर की तरफ ले जाएगी, इसके तरफ ले जाएगी, किसके तरफ ले जाएगी? तो अब बात आ जाती है पोर्ट मैपिंग की, भाई कंफ्यूज हो जाएगा ना, ये किस में ले जाऊं, होगा कि नहीं होगा? तो पोर्ट मैपिंग करनी पड़ती है, हमें बताना पड़ता है कि अगर बाहर से कोई बंदा इस आईपी पे हिट करे, और इस आईपी के अगर 8000 पोर्ट पे हिट करे, 8000 पोर्ट पे अगर हिटिंग आती है, तो फर्स्ट नंबर कंटेनर की तरफ भेज देना, और उसके 80 नंबर पोर्ट की तरफ, ऐसे मैपिंग करनी पड़ेगी। ऐसे अगले कंटेनर पे भेजना है, तो बताना पड़ेगा कि कोई बंदा अगर इसी आईपी पे और इसी पे आईपी पे अगर हो 8100 पोर्ट पे हिट करे, तो कंटेनर 2 की तरफ, 8100
जीरो पे करे तो ठीक, ऐसे हर एक पोर्ट एक डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर के साथ मैपिंग होती जाती है, समझ में आ गई। तो ऐसा मुझे करना पड़ेगा, लेकिन सवाल ये आता है ये फिजिकल, ये जो मशीन है ये तो मेरे घर की है, मेरी अब इंटरनल ऑफिस की नहीं, ये तो AWS की है। तो अगर मैं बाहर से बैठ के इस आईपी को वेट करूंगा तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि AWS प्राइवेट आईपी को एक्सेस करने नहीं देता, VPN होगा तब कर सकते हो। AWS क्या बोलता है कि इस आईपी पे अगर आना भी है आपको तो मैं यहाँ पर IGW लगा के रखा हूँ। क्या लगा के रखा सर? IGW इंटरनेट गेटवे, राइट। और AWS के ऊपर इंस्टेंस बना हुआ तो उसको एक पब्लिक आईपी देता है, वो पब्लिक आईपी एड्रेस IGW पे होती है, है कि नहीं? तो ये रही उसकी पब्लिक आईपी एड्रेस। तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे पड़ी हुई है, और आपको भी एक चीज क्लियर होगा दोस्तों कि ये पब्लिक आईपी एड्रेस इसके साथ बाइंड होती है, होती कि नहीं होती? तो मैं अपने लैपटॉप से बैठ के अगर इसको हिट करूंगा तो ये इसके साथ ट्रांसलेट करेगा और इधर भेजेगा, लेकिन इधर तभी भेजेगा जब यहाँ की पोर्ट मैपिंग आपको करनी पड़ेगी। समझ आ गई मेरी बात? करके देखें तो लाइव एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। तो अभी जो एग्जिस्टिंग कंटेनर है उसको मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, मैं उसके अलावा एक नया बना रहा हूँ, ठीक है सर, है ना। तो सेम कमांड चला लो, ये सिर्फ पोर्ट मैपिंग कैसे करते हैं वो देख लो। हाइफन पी और 8000 को मैंने मैप किया 80 से, तो 8000 होस्ट का पोर्ट हो गया, 80 कंटेनर का पोर्ट हो गया, जो कंटेनर बनेगा, एंटर हो गया। अब इसमें मैंने क्या किया, अभी तो हम कंटेनर के इनसाइड बैठ गए हैं ना, अब एंटर मारा तो बना और इनसाइड आ गया, देख रहा, सेल भी मिल गया, मिल गया ना, मतलब नया बना कंटेनर, वो वाला कंटेनर नहीं है। मैं यहां पर apt-get अपडेट किया, apt-get इंस्टॉल Apache 2, मैंने यहां पे लिखा वेलकम टू यस फॉर डॉकर फर्स्ट क्लास index.html। मैंने यहाँ पर किया सर्विस Apache 2 start, राइट। अब देखो यहाँ पर जो यहाँ पर मैंने एक और टैब कहाँ चला गया, मिनिमाइज कर दिया, यहाँ पर मैंने मारा डॉकर वॉच कमांड डालता हूँ, डॉकर कंटेनर ls, तो देखो पोर्ट मैपिंग आ गई, हाँ। समझ में आ रही है? हाँ जी। तो अब अगर मैं बाहर से बैठकर इस होस्ट की प्राइवेट आईपी देखूं, तो इस होस्ट की प्राइवेट आईपी इफ कॉन्फिग करूं तो ये प्राइवेट आईपी है 172 बोले तो डायग्राम में, चलो ये मैं यहां से हिट करूंगा, नहीं आ पाऊंगा, मैं पब्लिक को हिट करूं, है ना। तो मैं पब्लिक आईपी को हिट करता हूं, तो मैं पब्लिक आईपी को हिट किया तो इसने कुछ भी ओपन नहीं किया, क्यों? हिटिंग किया तो इसने चुपचाप यहाँ हिट कर दिया, आपने पोर्ट मैपिंग किया ना, तो यहाँ पर भी पोर्ट लगाओगे तब वो इसके पोर्ट की तरह भेजेगा। तो मैंने पोर्ट मैपिंग 8000 किया, तो मैं पोर्ट मैपिंग यहाँ पर 8000 ओपन करता हूँ, मैंने यहाँ पे बोला 8000, देखो वेलकम टू यस फॉर डॉकर फर्स्ट क्लास, मोबाइल पे बोलो तुम, वो देना माउस का थोड़ा यूएसबी, हाँ सर, क्लियर हो गया एक्सेस। अब देखो ये तो, अब यहाँ पे देखो आपने यहाँ पर उसकी रैम भी देख रहे थे ना, क्या बोल रहा है ये, राइट।
ये कह रहा है वो वाला कंटेनर तो बंद हो गया, वो वाला कंटेनर तो बंद हो गया, नया कंटेनर आया ना जिसकी ये है। तो एक बार इसको देख लेते हैं हम, डॉकर कंटेनर क्या रैम यूज कर रहा है, है ना। तो डॉकर कंटेनर स्टेट्स कमांड चलाया 77, तो ये कह रहा है 9 MB रैम यूज कर रहा है, ठीक है। अब ये तो कुछ नहीं है, एक बड़ा होस्टिंग करके दिखाता हूँ लाइव। तो आप लाइव होस्टिंग कैसे करेंगे, डेवलपर से पेज मांग लीजिए। लेकिन अभी आपके पास डेवलपर तो है नहीं ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, गूगल पे आइए। गूगल पे आके ना सैंपल एचटीएमएल फाइल मिल जाती है, कैसे करोगे, सैंपल वेबसाइट डाउनलोड, लाइव दिखाता हूँ आपको मैं, कोई भी उठा लो इसमें से, टेस्टिंग ही तो करना है, ठीक है। ये उठा लेते हैं, चलो। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ डाउनलोड किया, कॉपी लिंक किया, और हम क्या करते हैं, ये कंटेनर के अंदर आया, यहाँ पर मैंने डब्ल्यू गेट कर लेता, ठीक है। पहले वाला कंटेंट हटा देता हूँ, पहले वाला इंडेक्स और टेस्ट में हटा देता हूँ ना, मैंने यहाँ पर क्या किया, डब्ल्यू गेट किया, ये लो। तो ये डब्ल्यू गेट, डब्ल्यू गेट है ही नहीं भाई, हाँ कमांड ही नहीं, बाइनरी में है ना, है ही नहीं, यही तो फायदा लाइट में, जितना जरूरत है। तो हमें डब्ल्यू गेट की जरूरत पड़ गई, तो apt-get डब्ल्यू गेट कर लिया, सॉरी इंस्टॉल करना पड़ा। अच्छा सर, ये हमने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब ये अब इमेज बना सकते हो, नहीं हाँ। ये मतलब डब्ल्यू जो हमने इंस्टॉल किया डब्ल्यू गेट, हाँ। तो इसकी बाइनरी हमारे कंटेनर में चली गई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी चली गई। अच्छा। तो अब देखो डब्ल्यू गेट चल जाएगा, लेट्स से उसकी, अच्छा हाँ वो मेमोरी भी तो इंक्रीज कर रहा है, रैम भी तो इंक्रीज कर रहा है। अब डब्ल्यू गेट चल गया, तो ये देखो आ गई, इसको अनजिप कर लो, ठीक है। इसको क्या कर लो, अनजिप। तो कह रहा भाई अनजिप भी नहीं है, ओएस डालते हो तो अनजिप आ जाता है, यही जरूरत है भाई, एनजिप की जरूरत पड़ गई तो आप एनजिप कर लो। ये लो अनजिप भी डाल लिया मैंने, तो अब अनजिप अनजिप भी कर लूंगा, सॉरी अनजिप कर लिया मैंने, क्या नाम था उसका, aniki.zip ना, यही है ना, लो अनजिप हो गया, अनजिप हो तो ये फोल्डर आ गया। इस फोल्डर के अंदर index.html है, मैंने क्या किया cp-rvm, मैंने पूरा कंटेंट इस लोकेशन में कॉपी कर लिया, क्योंकि सीडी है भाई, index.html यहाँ चाहिए ना, बस। अब एक बार सर्विस रीस्टार्ट, सॉरी अपाचे अपाचे टू, सर्विस अपाचे टू होता है ना, रीस्टार्ट, ठीक है, रीस्टार्ट हो रही है। हो गया, अब देख रिफ्रेश, देखो क्या आप, आपका ये होस्टिंग वीएम पे चल रहा है, क्या फिजिकल मशीन पे चल रहा है, कंटेनर पे चल रहा है सर, कंटेनर पे। करो अपने मोबाइल पे रिफ्रेश, वही है, रिफ्रेश कर लो, लाइव चला के देख लिया आपने। अब देखो यार रैम कितना यूटिलाइज कर रहा है, कह रहा भाई 11 MB थोड़ा सा बड़ा है यार तुमने, यार इमेज इमेज डाला है यार थोड़ा सा, तो उसको भी समझो, लेकिन 11 MB में चला रहा है, कोई बिलीव कर सकता है पीछे। तो कंपनी बोलती क्या दिक्कत है भाई, ये तो अच्छी चीज है, क्यों फालतू 4 GB के वीएम में एप्लीकेशन चलाते हो। अगर इसको नाम से करना है तो तू DNS में एंट्री कर ले, समझ आ गई मेरे पास। अब अगर अगर अब देखो मैं AWS पे 1 GB का इंस्टेंस बनाया हूँ, ठीक है, 10, 11, 12 MB में मैंने एक एप्लीकेशन चला रहा हूँ, तो 1 GB में कितनी चला लूंगा मैं, है ना बेनिफिट, यही ब्यूटी। अब आंसर दे पा रहे हो,
क्लियर हो गया, यही है ब्यूटी सर, समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? चलो तो मैं काम करता हूँ कि अभी मैं यहीं पे ऑफ करता हूँ कि एक्चुअली मेरी क्लास है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको क्या करना है कि आप इस लैपटॉप को कर लो रेडी, है ना, जाना तो नहीं कहीं सर अभी तो फिलहाल के लिए, मुझे एक जगह जाना था कल से। हाँ तो ठीक है फिर सर, इसका एक बार आप एरर बता दें। तो मैं ये वीडियो यहीं पे दे देता हूँ, कोई समस्या तो नहीं था यहाँ पे? नहीं, तो सर मैं आज एक्चुअली मैं माइंड से सेट अप ये नहीं था ना कि यहाँ पर सेंटर वगैरह